शमूएल भविष्यवक्ता की पहली पुस्तक अध्याय एक। शमूएल के जन्म और लड़कपन का वर्णन। एप्रेम के पहाड़ी देश के रामातैम सोपिम नाम नगर का एक निवासी एलकाना नाम एक पुरुष था। वह एप्रेमी था और सूप के पुत्र तोहू का परपोता, एलिहू का पोता और यरोहाम का पुत्र था और उसके दो पत्नियां थी। एक का तो नाम हन्ना और दूसरी का पनिन्ना था और पनिन्ना के तो बालक हुए परंतु हन्ना के कोई बालक न हुआ। वह पुरुष प्रतिवर्ष अपने नगर से सेनाओं के यहोवा को दंडवत करने और मेलबलि चढ़ाने के लिए शिलो में जाता था और वहां होपनी और पिनहास नाम एली के दोनों पुत्र रहते थे जो यहोवा के याजक थे। और जब जब एलकाना मेलबलि चढ़ाता था तब तब वह अपनी पत्नी पनिन्ना को और उसके सब बेटे बेटियों को दान दिया करता था, परंतु हन्ना को वह दूना दान दिया करता था क्योंकि वह हन्ना से प्रीति रखता था। तो भी यहोवा ने उसकी कोख बंद कर रखी थी, परंतु उसकी सौत इस कारण से कि यहोवा ने उसकी कोख बंद कर रखी थी उसे अत्यंत चिढ़ा चिढ़ा कर कुढ़ाती रहती और वह तो प्रतिवर्ष ऐसा ही करता था। और जब हन्ना यहोवा के भवन को जाती थी तब पनिन्ना उसको चिढ़ाती थी, इसलिए वह रोती और खाना न खाती। इसलिए उसके पति एलकाना ने उससे कहा, हे हन्ना, तू क्यों रोती है और खाना क्यों नहीं खाती और तेरा मन क्यों उदास है? क्या तेरे लिए मैं 10 बेटों के से भी अच्छा नहीं हूं? तब शिलो में खाने और पीने के बाद हन्ना उठी और यहोवा के मंदिर के चौखट के एक अलंग के पास एलियाजक कुर्सी पर बैठा हुआ था और यह मन में व्याकुल होकर यहोवा से प्रार्थना करने लगी और बिलख बिलख कर रोने लगी। और उसने यह मन्नत मानी कि हे सेनाओं के यहोवा, यदि तू अपनी दासी के दुख पर सचमुच दृष्टि करे और मेरी सुधि ले और अपनी दासी को भूल न जाए और अपनी दासी को पुत्र दे, तो मैं उसे उसके जीवन भर के लिए यहोवा को अर्पण करूंगी और उसके सिर पर छुरा फिराए न जाएगा। जब वह यहोवा के सामने ऐसी प्रार्थना कर रही थी तब एली उसके मुंह की ओर ताक रहा था। हन्ना मन ही मन कह रही थी, उसके होठ तो हिलते थे परंतु उसका शब्द न सुन पड़ता था, इसलिए एली ने समझ रखा कि वह नशे में है। तब एली ने उससे कहा, तू कब तक नशे में रहेगी, अपना नशा उतार। हन्ना ने कहा, नहीं हे मेरे प्रभु, मैं तो दुखिया हूं, मैंने न तो दाख मधु पिया है और न मदिरा, मैंने अपने मन की बात खोलकर यहोवा से कही है, अपनी दासी को ओछी स्त्री न जान और जो कुछ मैंने अब तक कहा है वह बहुत ही शोकित होने और चिढ़ाए जाने के कारण हुआ है। इसलिए एलिया ने कहा, कुशल से चली जा, इसराइल का परमेश्वर तुझे मनचाहा वर दे। उसने कहा, तेरी दासी तेरी दृष्टि में अनुग्रह पाए। तब वह स्त्री चली गई और खाना खाया और उसका मुंह फिर उदास न रहा। बिहान को वे सवेरे उठ यहोवा को दंडवत करके रामा में अपने घर लौट गए और एलकाना अपनी स्त्री हन्ना के पास गया और यहोवा ने उसकी सुधि ली। तब हन्ना गर्भवती हुई और समय पर उसके एक पुत्र हुआ, उसका नाम शमूएल रखा क्योंकि वह कहने लगी, मैंने यहोवा से मांग कर इसे पाया है। फिर एलकाना अपने पूरे घराने समेत यहोवा के सामने प्रतिवर्ष की मेलबलि चढ़ाने और अपनी मन्नत पूरी करने के लिए गया, परंतु हन्ना अपने पति से यह कहकर घर में रह गई कि जब बालक का दूध छूट जाएगा तब मैं उसको ले जाऊंगी कि वह यहोवा को मुंह दिखाए और वहां सदा बना रहे। उसके पति एलकाना ने उससे कहा, जो तुझे भला लगे वही कर, जब तू उसका दूध न छुड़ाए तब तक यही ठहर रह, केवल इतना हो कि यहोवा अपना वचन पूरा करे। इसलिए वह स्त्री वही घर पर रह गई और अपने पुत्र के दूध छूटने के समय तक उसको पिलाती रही। जब
उसने उसका दूध छुड़वाया तब वह उसको संग ले गई और तीन बछड़े और एपा भर आटा और कुप्पी भर दाखमधु भी ले गई और उस लड़के को शिलो में यहोवा के भवन में पहुंचा दिया। उस समय वह लड़का ही था और उन्होंने बछड़ा बलि करके बालक को एली के पास पहुंचा दिया। तब हन्ना ने कहा, हे मेरे प्रभु, मेरे जीवन की शपथ, हे मेरे प्रभु, मैं वही स्त्री हूं जो तेरे पास यही खड़ी होकर यहोवा से प्रार्थना करती थी। यह वही बालक है जिसके लिए मैंने प्रार्थना की थी और यहोवा ने मुझे मुंह मांगा वर दिया है, इसीलिए मैं भी उसे यहोवा को अर्पण कर देती हूं कि यह अपने जीवन भर यहोवा ही का बना रहे। तब उसने वही यहोवा को दंडवत किया। शमूएल भविष्यवक्ता की पहली पुस्तक अध्याय दो। शमूएल भविष्यवक्ता की पहली पुस्तक अध्याय दो। और हन्ना ने प्रार्थना करके कहा, मेरा मन यहोवा के कारण मगन है, मेरा सिंह यहोवा के कारण ऊंचा हुआ है, मेरा मुंह मेरे शत्रुओं के विरुद्ध खुल गया, क्योंकि मैंने तेरे किए हुए उद्धार से आनंदित हूं। यहोवा के तुल्य कौन पवित्र नहीं, क्योंकि तुझको छोड़ और कोई नहीं है, और हमारे परमेश्वर के समान कोई चट्टान नहीं। फूलकर अहंकार की ओर बातें मत करो और अंधेर की बातें तुम्हारे मुंह से न निकले, क्योंकि यहोवा ज्ञानी परमेश्वर है और कामों का तौलने वाला है। शूरवीरों के धनुष टूट गए और ठोकर खाने वालों की कटी में बल का फेटा कसा गया। जो पेट भरते थे उन्हें रोटी के लिए मजदूरी करनी पड़ी, जो भूखे थे वे फिर ऐसे न रहे, वरन जो बांझ थी उसके साथ हुए, और अनेक बालकों की माता घुलती जाती है। यहोवा मारता है और जिलाता भी है, वही अधोलोक में उतारता और उसमें से निकालता भी है। यहोवा निर्धन करता है और धनी भी बनाता है, वही नीचा करता है और ऊंचा भी करता है। वह कंगाल को धूली में से उठाता और दरिद्र को धूरे में से निकाल खड़ा करता है, ताकि उनको अधिपतियों के संग बिठाए और महिमायुक्त सिंहासन के अधिकारी बनाए, क्योंकि पृथ्वी के खंभे यहोवा के हैं और उसने उन पर जगत को धरा है। वह अपने भक्तों के पांव को संभाले रहेगा, परंतु दुष्ट अंधियारे में चुपचाप पड़े रहेंगे, क्योंकि कोई मनुष्य अपने बल के कारण प्रबल न होगा। जो यहोवा से झगड़ते हैं वे चकनाचूर होंगे, वह उसके विरुद्ध आकाश में गरजेगा। यहोवा पृथ्वी की छोर तक न्याय करेगा और अपने राजा को बल देगा और अपने अभिषिक्त के सिंह को ऊंचा करेगा। तब एलकाना रामा को अपने घर चला गया और वह बालक एलियाजक के सामने यहोवा की सेवा टहल करने लगा। एली के पुत्र तो लुच्चे थे, उन्होंने यहोवा को न पहचाना, और याजकों की रीति लोगों के साथ यह थी कि जब कोई मनुष्य मेलबलि चढ़ाता था तब याजक का सेवक मांस पकाने के समय एक त्रिशूली कांटा हाथ में लिए हुए आकर उसे कढ़ाई व हंडी व हंडे व तसले के भीतर डालता था, और जितना मांस कांटे में लग जाता था उतना मांस याजक आप लेता था। यो ही वे शिलो में सारे इसराइलियों से किया करते थे जो वहां आते थे, और चर्बी जलाने से पहले भी याजक का सेवक आकर मेलबलि चढ़ाने वाले से कहता था कि कबाब के लिए याजक को मांस दे, वह तुझसे पका हुआ नहीं कच्चा ही मांस लेगा। और जब कोई उससे कहता कि निश्चय चर्बी अभी जलाई जाएगी, तब जितना तेरी जी चाहे उतना ले लेना, तब वह कहता था, नहीं अभी दे, नहीं तो मैं छीन लूंगा। इसलिए जब उन जवानों का पाप यहोवा की दृष्टि में बहुत भारी हुआ, क्योंकि वे मनुष्य यहोवा की भेंट का तिरस्कार करते थे। परंतु शमूएल जो बालक था सनी का एपोद पहने हुए यहोवा के सामने सेवा टहल किया करता था, और उसकी माता प्रतिवर्ष उसके लिए एक छोटा सा बागा बनाकर जब अपने पति के संग प्रतिवर्ष की मेलबलि चढ़ाने आती थी तब बागे को उसके पास लाया करती थी। और एली ने एलकाना
और उसकी पत्नी को आशीर्वाद देकर कहा, यहोवा इस अर्पण किए हुए बालक की संति जो उसको अर्पण किया गया है तुझको इस पत्नी से वंश दे। तब वे अपने घर चले गए और यहोवा ने हन्ना की सुधि ली और वह गर्भवती हुई और उसके 3 बेटे और 2 बेटियां उत्पन्न हुई और शमूएल बालक यहोवा के संग रहता हुआ बढ़ता गया। और एली तो अति बूढ़ा हो गया था और उसने सुना कि मेरे पुत्र सारे इसराइल से कैसा कैसा व्यवहार करते हैं, वरन मिलाप वाले तंबू के द्वार पर सेवा करने वाली स्त्रियों के संग कुकर्म भी करते हैं। तब उसने उनसे कहा, तुम ऐसे ऐसे काम क्यों करते हो? मैं तो इन सब लोगों से तुम्हारे कुकर्मों की चर्चा सुना आ रहा हूं। हे मेरे बेटो, ऐसा न करो, क्योंकि जो समाचार मेरे सुनने में आता है वह अच्छा नहीं। तुम तो यहोवा की प्रजा के अपराधी हो, तुम यहोवा की प्रजा से अपराध करते हो। यदि एक मनुष्य दूसरे मनुष्य का अपराध करे तब तो परमेश्वर उसका न्याय करेगा, परंतु यदि कोई मनुष्य यहोवा के विरुद्ध पाप करे तो उसके लिए कौन विनती करेगा? तो भी उन्होंने अपने पिता की बात न मानी, क्योंकि यहोवा की इच्छा उन्हें मार डालने की थी। परंतु शमूएल बालक बढ़ता गया और यहोवा और मनुष्य दोनों उससे प्रसन्न रहते थे। और परमेश्वर का एक जन एली के पास जाकर उससे कहने लगा, यहोवा यो कहता है कि जब तेरे मूल पुरुष का घराना मिस्र में फिरौन के घराने के वश में था, तब क्या मैं उस पर निश्चित प्रकट न हुआ था? और क्या मैंने उसे इसराइल के सब गोत्रों में से इसलिए चुन नहीं लिया था कि मेरा याजक होकर मेरी वेदी के ऊपर चढ़ावे चढ़ाए और धूप जलाए और मेरे सामने एपोद पहना करे? और क्या मैंने तेरे मूल पुरुष के घराने को इसराइलियों के कुलहव्य न दिए थे? इसलिए मेरे मेल बलि और अन्न बलि जितने मैंने अपने धाम में चढ़ाने की आज्ञा दी है उन्हें तुम लोग क्यों पावतले रौनते हो? और तू क्यों अपने पुत्रों का आदर मेरे आदर से अधिक करता है कि तुम लोग मेरी इस्राएली प्रजा की अच्छी से अच्छी भेंटे खा के मोटे हो जाओ? इसलिए इस्राएल के परमेश्वर यहोवा की यह वाणी है कि मैंने कहा तो था कि तेरा घराना और तेरे मूल पुरुष का घराना मेरे सामने सदैव चला करेगा, परंतु अब यहोवा की वाणी यह है कि यह बात मुझसे दूर हो, क्योंकि जो मेरा आदर करे मैं उनका आदर करूंगा और जो मुझे तुच्छ जाने वे छोटे समझे जाएंगे। सुन, वे दिन आते हैं कि मैं तेरा भुजबल और तेरे मूल पुरुष के घराने का भुजबल ऐसा तोड़ डालूंगा कि तेरे घराने में कोई बूढ़ा होने न पाएगा। इसराइल का कितना ही कल्याण क्यों न हो तो भी तुझे मेरे धाम का दुख देख पड़ेगा और तेरे घराने में कोई कभी बूढ़ा न होने पाएगा। मैं तेरे कुल के सब किसी से तो अपनी वेदी की सेवा न छीनूंगा, परंतु तो भी तेरी आंखें देखती रह जाएगी और तेरा मन शोकित होगा और तेरे घर की बढ़ती सब अपनी पूरी जवानी ही में मर मिटेंगी। और मेरी इस बात का चिन्ह वह विपत्ति होगी जो होपनी और पिनहास नाम तेरे दोनों पुत्रों पर पड़ेगी, अर्थात वे दोनों के दोनों एक ही दिन मर जाएंगे और मैं अपने लिए एक विश्वास योग्य याजक ठहराऊंगा जो मेरे हृदय और मन की इच्छा के अनुसार किया करेगा, और मैं उसका घर बसाऊंगा और स्थिर करूंगा और वह मेरे अभिषिक्त के आगे आगे सब दिन चला फिरा करेगा। और ऐसा होगा कि जो कोई तेरे घराने में बचा रहेगा वह उसी के पास जाकर एक छोटे से टुकड़े चांदी के व एक रोटी के लिए दंडवत करके कहेगा, याजक के किसी काम में मुझे लगा जिससे मुझे एक टुकड़ा रोटी मिले। शमूएल भविष्यवक्ता की पहली पुस्तक अध्याय 3। शमूएल भविष्यवक्ता की पहली पुस्तक अध्याय 3। और वह बालक शमूएल एली के सामने यहोवा की सेवा टहल करता था और उन दिनों में यहोवा का वचन दुर्लभ था और दर्शन कम मिलता था। और उस समय ऐसा हुआ
कि एली की आंखें तो धुंधली होने लगी थी और उसे न सूझ पड़ता था। जब वह अपने स्थान में लेटा हुआ था और परमेश्वर का दीपक अब तक बुझा नहीं था और शमूएल यहोवा के मंदिर में जहां परमेश्वर का संदूक था लेटा था, तब यहोवा ने शमूएल को पुकारा और उसने कहा, क्या आज्ञा? तब उसने एली के पास दौड़कर कहा, क्या आज्ञा? तूने तो मुझे पुकारा है। वह बोला, मैंने नहीं पुकारा। फिर जा, लेटा रहा। तो वह जाकर लेट गया। तब यहोवा ने फिर पुकार के कहा, हे शमूएल। शमूएल उठकर एली के पास गया और कहा, क्या आज्ञा? तूने तो मुझे पुकारा है। उसने कहा, हे मेरे बेटे, मैंने नहीं पुकारा। फिर जा, लेट रहा। उस समय तक तो शमूएल यहोवा को नहीं पहचानता था और न तो यहोवा का वचन ही उस पर प्रकट हुआ था। फिर तीसरी बार यहोवा ने शमूएल को पुकारा और वह उठ के एली के पास गया और कहा, क्या आज्ञा? तूने तो मुझे पुकारा है। तब एली ने समझ लिया कि इस बालक को यहोवा ने पुकारा है, इसलिए एली ने शमूएल से कहा, जा, लेट रहा, और यदि वह तुझसे फिर पुकारे तो तू कहना कि हे यहोवा, कह, क्योंकि तेरा दास सुन रहा है। तब शमूएल अपने स्थान पर जाकर लेट गया। तब यहोवा आ खड़ा हुआ और पहले की नाई पुकार कर कहा, शमूएल, शमूएल। शमूएल ने कहा, कह, क्योंकि तेरा दास सुन रहा है। यहोवा ने शमूएल से कहा, सुन, मैं इसराइल में एक ऐसा काम करने पर हूं जिससे सब सुनने वालों पर बड़ा सन्नाटा छा जाएगा। उस दिन मैं एली के विरुद्ध वह सब कुछ पूरा करूंगा जो मैंने उसके घराने के विषय में कहा, उसे आरंभ से अंत तक पूरा करूंगा, क्योंकि मैं तो उसको यह कहकर जता चुका हूं कि मैं उस अधर्म का दंड जिसे वह जानता है सदा के लिए उसके घर का न्याय करूंगा, क्योंकि उसके पुत्र आप शापित हुए हैं और उसने उन्हें नहीं रोका। इस कारण मैंने एली के घराने के विषय यह शपथ खाई कि एली के घराने के अधर्म का प्रायश्चित न तो मेलबलि से कभी होगा और न अन्न बलि से। और शमूएल भोर तक लेटा रहा। तब उसने यहोवा के भवन के किवाड़ों को खोला और शमूएल एली को उस दर्शन की बातें बताने से डरा। तब एली ने शमूएल को पुकार कर कहा, हे मेरे बेटे शमूएल। वह बोला, क्या आज्ञा? तब उसने पूछा, वह कौन सी बात है जो यहोवा ने तुझसे कही है, उसे मुझसे न छिपा। जो कुछ उसने तुझसे कहा हो, यदि तू उसमें से कुछ भी मुझसे छिपाए तो परमेश्वर तुझसे वैसा ही वरन उससे भी अधिक करे। तब शमूएल ने उसको रत्ती रत्ती बातें कह सुनाई और कुछ भी न छिपा रखा। वह बोला, वह तो यहोवा है, जो कुछ वह भला जाने वही करे। और शमूएल बड़ा होता गया और यहोवा उसके संग रहा और उसने उसकी कोई भी बात निष्फल होने नहीं दी। और दान से बेर्शबा तक के रहने वाले सारे इसराइलियों ने जान लिया कि शमूएल यहोवा का नबी होने के लिए नियुक्त किया गया है। और यहोवा ने शिलो में फिर दर्शन दिया, क्योंकि यहोवा ने अपने आप को शिलो में शमूएल पर अपने वचन के द्वारा प्रकट किया। शमूएल भविष्यवक्ता की पहली पुस्तक अध्याय 4। शमूएल भविष्यवक्ता की पहली पुस्तक अध्याय 4। और शमूएल का वचन सारे इसराइल के पास पहुंचा और इसराइली पलिश्तियों से युद्ध करने को निकले और उन्होंने तो एबनेजर के आसपास छावनी डाली और पलिश्तियों ने आपेक में छावनी डाली। तब पलिश्तियों ने इसराइल के विरुद्ध पांति बांधी और जब घमासान युद्ध होने लगा तब इसराइली पलिश्तियों से हार गए और उन्होंने कोई 4,000 इसराइली सेना के पुरुषों को मैदान ही में मार डाला। और जब वे लोग छावनी में लौट आए तब इसराइल के वृद्ध पुरुष कहने लगे कि यहोवा ने आज हमें पलिश्तियों से क्यों हरवा दिया है? आओ, हम यहोवा की वाचा का संदूक
शिलो से मांग ले आए कि वह हमारे बीच में आकर हमें शत्रुओं के हाथ से बचाए। तब उन लोगों ने शिलो में भेजकर वहां से करूबों के ऊपर विराजने वाले सेनाओं के यहोवा की वाचा का संदूक मंगा लिया और परमेश्वर की वाचा के संदूक के साथ एली के दो पुत्र होपनी और पिनहास भी वहां थे। जब यहोवा की वाचा का संदूक छावनी में पहुंचा तब सारे इसराइली इतने बल से ललकार उठे कि भूमि गुंज उठी। इस ललकार का शब्द सुनकर पलिश्तियों ने पूछा, इब्रियों की छावनी में ऐसी बड़ी ललकार का क्या कारण है? तब उन्होंने जान लिया कि यहोवा का संदूक छावनी में आया। तब पलिश्ती डरकर कहने लगे, उस छावनी में परमेश्वर आ गया है। फिर उन्होंने कहा, हाय, हम पर ऐसी बात पहले नहीं हुई थी। हाय, ऐसे महाप्रतापी देवताओं के हाथ से हमको कौन बचाएगा? ये तो वे ही देवता है जिन्होंने मिस्रियों पर जंगल में सब प्रकार की विपत्तियां डाली थी। हे पलिश्तियों, तुम हियाव बांधो और पुरुषार्थ जगाओ, कहीं ऐसा न हो कि जैसे इब्री तुम्हारे अधीन हो गए वैसे तुम भी उनके अधीन हो जाओ। पुरुषार्थ करके संग्राम करो। तब पलिश्ती लड़ाई के मैदान में टूट पड़े और इसराइली हारकर अपने अपने डेरे को भागने लगे और ऐसा अत्यंत संहार हुआ कि 30,000 इसराइली पैदल खेत आए और परमेश्वर का संदूक छीन लिया गया और एली के दोनों पुत्र होपनी और पिनहास भी मारे गए। तब एक बिन्यामिनी मनुष्य ने सेना में से दौड़कर उसी दिन अपने वस्त्र फाड़े और सिर पर मिट्टी डाले हुए शिलो में पहुंचा। वह जब पहुंचा उस समय एली, जिसका मन परमेश्वर के संदूक की चिंता से थरथरा रहा था, वह मार्ग के किनारे कुर्सी पर बैठा बाट जोह रहा था। और जो ही उस मनुष्य ने नगर में आकर वह समाचार दिया, क्यों ही सारा नगर चिल्ला उठा। चिल्लाने का शब्द सुनकर एली ने पूछा, ऐसे हुल्लड़ और हाहाकार मचाने का क्या कारण है? और उस मनुष्य ने झट जाकर एली को पूरा हाल सुनाया। एली तो 98 वर्ष का था और उसकी आंखें धुंधली पड़ गई थी और उसे कुछ सूझता न था। उस मनुष्य ने एली से कहा, मैं वही हूं जो सेना में से आया हूं और मैं सेना से आज ही भाग आया। वह बोला, हे मेरे बेटे, क्या समाचार है? उसने समाचार देने वाले ने उत्तर दिया कि इसराइली पलिश्तियों के सामने से भाग गए हैं और लोगों का बड़ा भयानक संहार भी हुआ है और तेरे दोनों पुत्र होपनी और पिनहास भी मारे गए और परमेश्वर का संदूक भी छीन लिया गया है। जो ही उसने परमेश्वर के संदूक का नाम लिया, त्यों ही एली फाटक के पास कुर्सी पर से पछाड़ खाकर गिर पड़ा और बूढ़े और भारी होने के कारण उसकी गर्दन टूट गई और वह मर गया। उसने तो इसराइलियों का न्याय 40 वर्ष तक किया था। उसकी बहू पिनहास की स्त्री गर्भवती थी और उसका समय समीप था। और जब उसने परमेश्वर के संदूक के छीन लिए जाने और अपने ससुर और पति के मरने का समाचार सुना, तब उसको जच्चा का दर्द उठा और वह दुहर गई और उसके एक पुत्र हुआ। उसके मरते मरते उस स्त्रियों ने जो उसके आसपास खड़ी थी उससे कहा, मत डर, क्योंकि तेरे पुत्र उत्पन्न हुआ है। परंतु उसने कुछ उत्तर न दिया और न कुछ ध्यान दिया और परमेश्वर के संदूक के छीन लिए जाने और अपने ससुर और पति के कारण उसने यह कहकर उस बालक का नाम इकाबोद रखा कि इसराइल में से महिमा उठ गई। फिर उसने कहा, इसराइल में से महिमा उठ गई है क्योंकि परमेश्वर का संदूक छीन लिया गया है। शमूएल भविष्यवक्ता की पहली पुस्तक अध्याय 5। शमूएल भविष्यवक्ता की पहली पुस्तक अध्याय 5। और पलिश्तियों ने परमेश्वर का संदूक एबेनेजर से उठाकर अशदोद में पहुंचा दिया। फिर पलिश्तियों ने परमेश्वर के संदूक को उठाकर दागोन के मंदिर में पहुंचाकर दागोन के पास धर दिया। विहान को अश्तोदियों ने तड़के उठकर क्या देखा कि दागोन यहोवा के संदूक के सामने औंधे मुंह भूमि पर गिर पड़ा है। तब उन्होंने दागोन को उठाकर उसी के स्थान पर फिर
खड़ा कर दिया। फिर बिहान को जब वे तड़के उठे तब क्या देखा कि दागोन परमेश्वर के संदूक के सामने औंधे भूमि पर गिर पड़ा है और दागोन का सिर और दोनों हथेलियां डेवढ़ी पर कटी हुई पड़ी है। निदान दागोन का केवल धड़ समूचा रह गया। इस कारण आज के दिन तक भी दागोन के पुजारी और जितने दागोन के मंदिर में जाते हैं वे अश्तोद में दागोन की देवड़ी पर पाव नहीं धरते। तब यहोवा का हाथ अश्तोदियों के ऊपर भारी पड़ा और वह उन्हें नाश करने लगा और उसने अश्तोद और उसके आसपास के लोगों के गिल्टियां निकाली। यह हाल देखकर अश्तोद के लोगों ने कहा, इसराइल के देवता का संदूक हमारे मध्य रहने नहीं पाएगा क्योंकि उसका हाथ हम पर और हमारे देवता दागोन पर कठोरता के साथ पड़ा है। तब उन्होंने पलिश्तियों के सब सरदारों को बुलवा भेजा और उनसे पूछा, हम इसराइल के देवता के संदूक से क्या करें? वे बोले, इसराइल के देवता का संदूक घुमाकर गत नगर में पहुंचाया जाए। तो उन्होंने इसराइल के परमेश्वर के संदूक को घुमाकर गत में पहुंचा दिया। जब वे उसको घुमाकर वहां पहुंचे तो यू हुआ कि यहोवा का हाथ उस नगर के विरुद्ध ऐसा उठा कि उसमें अत्यंत बड़ी हलचल मच गई और उसने छोटे से बड़े तक उस नगर के सब लोगों को मारा और उनके गिल्टियां निकलने लगी। तब उन्होंने परमेश्वर का संदूक एक्रोन को भेजा। जो ही परमेश्वर का संदूक एक्रोन में पहुंचा त्यों ही एक्रोनी यह कहकर चिल्लाने लगे कि इसराइल के देवता का संदूक घुमाकर हमारे पास इसलिए पहुंचाया गया है कि हम और हमारे लोगों को मरवा डाले। तब उन्होंने पलिश्तियों के सब सरदारों को इकट्ठा किया और उनसे कहा, इसराइल के देवता के संदूक को निकाल दो कि वह अपने स्थान पर लौट जाए और हमको और हमारे लोगों को मार डालने न पाए। उस समस्त नगर में तो मृत्यु के भय की हलचल मच रही थी और परमेश्वर का हाथ वहां बहुत भारी पड़ा था और जो मनुष्य न मरे वे गिल्टियों के मारे पड़े रहे और नगर की चिल्लाहट आकाश तक पहुंची। शमूएल भविष्यवक्ता की पहली पुस्तक अध्याय 6। शमूएल भविष्यवक्ता की पहली पुस्तक अध्याय 6। यहोवा का संदूक पलिश्तियों के देश में 7 महीने रहा। तब पलिश्तियों ने याजकों और भावी कहने वालों को बुलाकर पूछा कि यहोवा के संदूक से हम क्या करें? हमें बताओ कि क्या प्रायश्चित देकर हम उसे उसके स्थान पर भेजें? वे बोले, यदि तुम इसराइल के देवता का संदूक वहां भेजो तो उसे वैसे ही न भेजना, उसकी हानि भरने के लिए अवश्य ही दोष बलि देना, तब तुम चंगे हो जाओगे और तुम जान लोगे कि उसका हाथ तुम पर से क्यों नहीं उठाया गया। उन्होंने पूछा, हम उसकी हानि भरने के लिए कौन सा दोष बलि दे? वे बोले, पलिश्ती सरदारों की गिनती के अनुसार सोने की 5 गिल्टियां और सोने के 5 चूहे, क्योंकि तुम सब और तुम्हारे सरदार दोनों एक ही रोग से ग्रसित हो, तो तुम अपनी गिल्टियों और अपने देश के नाश करने वाले चूहों की भी मूर्ति बनाकर इसराइल के देवता की महिमा मानो। संभव है वह अपना हाथ तुम पर से और तुम्हारे देवताओं और अपने देश पर से उठा ले। तुम अपने मन में क्यों ऐसे हठीले करते हो कि जैसे मिस्रियों और फिरौन ने अपने मन हठीले कर दिए थे? जब उसने उनके मध्य में अचंभित काम किए तब क्या उन्होंने उन लोगों को जाने दिया और क्या वे चले न गए? सो अब तुम एक नई गाड़ी बनाओ और ऐसी 2 दुधार गाय लो जो जुए तले न आई हो और उन गायों को उस गाड़ी में जोतकर उनके बच्चों को उनके पास ले लेकर घर को लौटा दो। तब यहोवा का संदूक लेकर उस गाड़ी पर धर दो और सोने की जो वस्तुएं तुम उसकी हानि भरने के लिए दोष बलि की रीति से दोगे उन्हें दूसरे संदूक में धर के उसके पास रख दो। फिर उसे रवाना कर दो कि चली जाए और देखते रहना कि यदि वह अपने देश के मार्ग से होकर बेथ शेमेह को चले तो जानो कि हमारी यह बड़ी हानि उसी की ओर से हुई, और यदि नहीं तो हमको निश्चय होगा कि यह मार हम पर उसकी ओर से नहीं परंतु संयोग ही से हुई।
उस मनुष्यों ने वैसा ही किया, अर्थात दो दुधार गाय लेकर उस गाड़ी में जोती और उनके बच्चों को घर में बंद कर दिया और यहोवा का संदूक और दूसरा संदूक और सोने के चूहों और अपनी गिल्टियों की मूर्तों को गाड़ी पर रख दिया। तब गायों ने बेत शेमेह का सीधा मार्ग लिया, वे सड़क की सड़क बंबाती हुई चली गई और दहिने मुड़ी न बाएं मुड़ी, और पलिश्तियों के सरदार उनके पीछे पीछे बेत शेमेह के सिवाने तक गए, और बेत शेमेह के लोग तराई में गेहूं काट रहे थे, और जब उन्होंने आंखें उठाकर संदूक को देखा तब उसके देखने से वे आनंदित हुए, और गाड़ी यहोशू नाम एक बेत शेमही के खेत में जाकर वहां ठहर गई जहां एक बड़ा पत्थर था। तब उन्होंने गाड़ी की लकड़ी को चीरा और गायों को होमबलि करके परमेश्वर के लिए चढ़ाया, और लेवियों ने यहोवा के संदूक को उस संदूक के समेत जो साथ था जिसमें सोने की वस्तुएं थी उतार के उस बड़े पत्थर पर धर दिया, और बेत शेमेह के लोगों ने उसी दिन यहोवा के लिए होमबलि और मेलबलि चढ़ाए। यह देखकर पलिश्तियों के पांचों सरदार उसी दिन एक्रोन को लौट गए। सोने की गिल्टियां जो पलिश्तियों ने परमेश्वर की हानि भरने के लिए दोष बलि करने के लिए दी थी, उनमें से एक तो अश्दोद की ओर से, एक अज्जा, एक अश्कलोन, एक गत और एक एक्रोन की ओर से दी गई थी, और वह सोने के चूहे क्या शहर पनाह वाले नगर, क्या बिना शहर पनाह के नगर, वरन जिस बड़े पत्थर पर यहोवा का संदूक धरा था वहां पलिश्तियों के पांचों सरदारों के अधिकार तक की सब बस्तियों की गिनती के अनुसार दिए गए। वह पत्थर तो आज तक बेत शेमेह यहोशू के खेत में है। फिर इस कारण से कि बेत शेमेह के लोगों ने यहोवा के संदूक के भीतर झांका था, उसने उनमें से 70 पुरुष और फिर 50,000 मनुष्य मार डाले, और वहां के लोगों ने इसलिए विलाप किया कि यहोवा ने लोगों का बड़ा ही संहार किया था। तब बेत शेमेह के लोग कहने लगे, इस पवित्र परमेश्वर यहोवा के सामने कौन खड़ा रह सकता है, और वह हमारे पास से किसके पास चला जाए। तब उन्होंने किर्त त्यारीम के निवासियों के पास यो कहने को दूत भेजे कि पलिश्तियों ने तो यहोवा का संदूक लौटा दिया है, इसलिए तुम आकर उसे अपने यहां ले जाओ। शमूएल भविष्यवक्ता की पहली पुस्तक अध्याय 7। शमूएल भविष्यवक्ता की पहली पुस्तक अध्याय 7। तब किर्यातारीम के लोगों ने जाकर यहोवा के संदूक को उठाया और अबिनादाब के घर में जो टीले पर बना रखा था, और यहोवा के संदूक की रक्षा करने के लिए अबिनादाब के पुत्र एलियाजार को पवित्र किया। किर्यातारीम में रहते रहते संदूक को बहुत दिन हुए, अर्थात 20 वर्ष बीत गए, और इस्राएल का सारा घराना विलाप करता हुआ यहोवा के पीछे चलने लगा। तब शमूएल ने इस्राएल के सारे घराने से कहा, यदि तुम अपने पूर्ण मन से यहोवा की ओर फिरो तो पराये देवताओं और अश्तोरेत देवियों को अपने बीच में से दूर करो, और यहोवा की ओर अपना मन लगाकर केवल उसी की उपासना करो, तब वह उन्हें पलिश्तियों के हाथ से छुड़ाएगा। तब इस्राएलियों ने बाल देवताओं और अश्तोरेत देवियों को दूर किया और केवल यहोवा ही की उपासना करने लगे। फिर शमूएल ने कहा, सब इस्राएलियों को मिस्पा में इकट्ठा करो और मैं तुम्हारे लिए यहोवा से प्रार्थना करूंगा। तब वे मिस्पा में इकट्ठे हुए और जल भर के यहोवा के सामने उंडेल दिया और उस दिन उपास किया, और वहां कहने लगे कि हमने यहोवा के विरुद्ध पाप किया है। और शमूएल ने मिस्पा में इस्राएलियों का न्याय किया। जब पलिश्तियों ने सुना कि इस्राएली मिस्पा में इकट्ठे हुए हैं, तब उनके सरदारों ने इस्राएलियों पर चढ़ाई की। यह सुनकर इस्राएली पलिश्तियों से भयभीत हुए, और इस्राएलियों ने शमूएल से कहा, हमारे लिए हमारे परमेश्वर यहोवा की दोहाई देना न छोड़, जिससे वह हमको पलिश्तियों के हाथ से बचाए। तब शमूएल ने एक दूध पिउआ मेमना ले सर्वांग होमबलि करके
यहोवा को चढ़ाया और शमूएल ने इसराइलियों के लिए यहोवा की दोहाई दी और यहोवा ने उसकी सुन ली। और जिस समय शमूएल होमबलि को चढ़ा रहा था उस समय पलिश्ती इसराइलियों के संग युद्ध करने के लिए निकट आ गए। तब उसी दिन यहोवा ने पलिश्तियों के ऊपर बादल को बड़े कड़के के साथ गरजाकर उन्हें घबरा दिया और वे इसराइलियों से हार गए। तब इसराइली पुरुषों ने मिस्पा से लेकर पलिश्तियों को खदेड़ा और उन्हें बेत करके नीचे तक मारते मारते चले गए। तब शमूएल ने एक पत्थर लेकर मिस्पा और शेन के बीच में खड़ा किया और यह कहकर उसका नाम एबनेजर रखा कि यहां तक यहोवा ने हमारी सहायता की है। तब पलिश्ती दब गए और इसराइलियों के देश में फिर न आए और शमूएल के जीवन भर यहोवा का हाथ पलिश्तियों के विरुद्ध बना रहा और एक्रोन और गत तक जितने नगर पलिश्तियों ने इसराइलियों के हाथ से छीन लिए थे वे फिर इसराइलियों के वश में आ गए और उनका देश भी इसराइलियों ने पलिश्तियों के हाथ से छुड़ाया और इसराइलियों और एमोरियों के बीच भी संधि हो गई और शमूएल जीवन भर इसराइलियों का न्याय करता रहा। वह प्रतिवर्ष बेतेल और गिलगाल और मिस्पा में घूम घूम कर उन सब स्थानों में इसराइलियों का न्याय करता था। तब वह रामा में जहां उसका घर था लौट आया और वहां भी इसराइलियों का न्याय करता था और वहां उसने यहोवा के लिए एक वेदी बनाई। शमूएल भविष्यवक्ता की पहली पुस्तक अध्याय आठ। शमूएल भविष्यवक्ता की पहली पुस्तक अध्याय आठ। जब शमूएल बूढ़ा हुआ तब उसने अपने पुत्रों को इसराइलियों पर न्याय ठहराया। उसके जेठे पुत्र का नाम योएल और दूसरे का नाम अबित्याह था। ये बेरशेबा में न्याय करते थे परंतु उसके पुत्र उसकी राह पर न चले अर्थात लालच में आकर घूस लेते और न्याय बिगाड़ते थे। तब सब इसराइली लोग इकट्ठे होकर रामा में शमूएल के पास जाकर उससे कहने लगे, सुन तू तो अब बूढ़ा हो गया और तेरे पुत्र तेरी राह पर नहीं चलते। अब हम पर न्याय करने के लिए सब जातियों की रीति के अनुसार हमारे लिए एक राजा नियुक्त कर दे। परंतु जो बात उन्होंने कही कि हम पर न्याय करने के लिए हमारे ऊपर राजा नियुक्त कर दे, यह बात शमूएल को बुरी लगी और शमूएल ने यहोवा से प्रार्थना की और यहोवा ने शमूएल से कहा, वे लोग जो कुछ तुझसे कहे उसे मान ले, क्योंकि उन्होंने तुझको नहीं परंतु मुझी को निकम्मा जाना है कि मैं उनका राजा न रहूं। जैसे जैसे काम वे उस दिन से जब से मैं उन्हें मिस्र से निकाल लाया आज के दिन तक करते आए हैं कि तुझको त्याग कर पराये देवताओं की उपासना करते आए हैं, वैसे ही वे तुझसे भी करते हैं। इसलिए अब तू उनकी बात मान तो भी तू गंभीरता से उनको भली भांति समझा दे और उनको बतला भी दे कि जो राजा उन पर राज्य करेगा उसका व्यवहार किस प्रकार का होगा। और शमूएल ने उन लोगों को जो उसे राजा चाहते थे यहोवा की सब बातें कह सुनाई और उसने कहा, जो राजा तुम पर राज्य करेगा उसकी यह चाल होगी, अर्थात वह तुम्हारे पुत्रों को लेकर अपने रथों और घोड़ों के काम पर नौकर रखेगा और वे उसके रथों के आगे आगे दौड़ा करेंगे। फिर वह उनको हजार हजार और पचास पचास के ऊपर प्रधान बनाएगा और कितनों से वह अपने हल जुतवाएगा और अपने खेत कटवाएगा और अपने लिए युद्ध के हथियार और रथों के साज बनवाएगा। फिर वह तुम्हारी बेटियों को लेकर उनसे सुगंध द्रव्य और रसोई और रोटियां बनवाएगा। फिर वह तुम्हारे खेतों और दाख और जलपाई की बारियों में से अच्छी होगी उन्हें ले लेकर अपने कर्मचारियों को देगा। फिर वह तुम्हारे बीज और दाख की बारियों का दसवां अंश ले लेकर अपने हाकिमों और कर्मचारियों को देगा। फिर वह तुम्हारे दास दासियों को और तुम्हारे अच्छे से अच्छे जवानों को
और तुम्हारे गधों को भी ले लेकर अपने काम में लगाएगा। वह तुम्हारी भेड़ बकरियों का भी दसवां अंश लेगा। निदान तुम लोग उसके दास बन जाओगे और उस दिन तुम अपने उस चुने हुए राजा के कारण दोहाई दोगे, परंतु यहोवा उस समय तुम्हारी न सुनेगा। तो भी उन लोगों ने शमूएल की बात न सुनी और कहने लगे, नहीं, हम निश्चय अपने लिए राजा चाहते हैं जिससे हम भी और सब जातियों के समान हो जाए और हमारा राजा हमारा निर्णय करे और हमारे आगे आगे चलकर हमारी ओर से युद्ध किया करे। लोगों की यह सब बातें सुनकर शमूएल ने यहोवा के कानों तक पहुंचाया। यहोवा ने शमूएल से कहा, उनकी बात मानकर उनके लिए राजा ठहरा दे। तब शमूएल ने इसराइली मनुष्य से कहा, तुम सब अपने अपने नगर को चले जाओ। शमूएल भविष्यवक्ता की पहली पुस्तक अध्याय 9। शमूएल भविष्यवक्ता की पहली पुस्तक अध्याय 9। बिन्यामिन के गोत्र में कीश नाम का एक पुरुष था जो अपीह के पुत्र बकोरत का परपोता और सरोर का पोता और अबियल का पुत्र था। वह एक बिन्यामिनी पुरुष का पुत्र और बड़ा शक्तिशाली सुरमा था। उसके शाऊल नाम का एक पुत्र था जो सुंदर था और इसराइलियों में कोई उससे बढ़कर सुंदर न था। वह इतना अधिक लंबा था कि दूसरे लोग उसके कांधे ही तक आते थे। जब शाऊल के पिता कीश की गधिया खो गई, तब कीश ने अपने पुत्र शाऊल से कहा, एक सेवक को अपने साथ ले जा और गधियों को ढूंढ ला। तब वह एप्रेम के पहाड़ी देश और शलीशा देश होते हुए गया, परंतु उन्हें न पाया। तब वे शालिम नाम देश भी होकर गए और वहां भी न पाया। फिर बन्यामिन के देश में गए, परंतु गधिया न मिली। जब वे सूफ नाम देश में आए, तब शाऊल ने अपने साथ के सेवक से कहा, आ हम लौट चले, ऐसा न हो कि मेरा पिता गधियों की चिंता छोड़कर हमारी चिंता करने लगे। उसने उससे कहा, सुन, इस नगर में परमेश्वर का एक जन है जिसका बड़ा आदर मान होता है और जो कुछ वह कहता है वह बिना पूरा हुए नहीं रहता। अब हम उधर चले, संभव है वह हमको हमारा मार्ग बताए कि किधर जाए। शाऊल ने अपने सेवक से कहा, सुन, यदि हम उस पुरुष के पास चले तो उसके लिए क्या ले चले? देख, हमारी थैलियों की रोटी चुक गई है और भेंट के योग्य कोई वस्तु ही नहीं है जो हम परमेश्वर के उस जन को दे। हमारे पास क्या है? सेवक ने फिर शाऊल से कहा कि मेरे पास तो एक शेकेल चांदी की चौथाई है, वही मैं परमेश्वर के जन को दूंगा कि वह हमको बताए कि किधर जाए। पूर्वकाल में तो इसराइल में जब कोई परमेश्वर से प्रश्न करने जाता तब ऐसा कहता था कि चलो हम दर्शी के पास चले, क्योंकि जो आजकल नबी कहलाता है वह पूर्वकाल में दर्शी कहलाता था। तब शाऊल ने अपने सेवक से कहा, तूने भला कहा है, हम चले। सो वे उस नगर को चले जहां परमेश्वर का जन था। उस नगर की चढ़ाई पर चढ़ते समय उन्हें कई एक लड़कियां मिली जो पानी भरने को निकलती थी। उन्होंने उनसे पूछा, क्या दर्शी यहां है? उन्होंने उत्तर दिया कि है, देखो वह तुम्हारे आगे है। अब फुर्ती करो, आज उच्च स्थान पर लोगों का यज्ञ है, इसलिए वह आज नगर में आया हुआ है। जो ही तुम नगर में पहुंचो त्यों ही वह तुमको उच्च स्थान पर खाना खाने को जाने से पहले मिलेगा, क्योंकि जब तक वह न पहुंचे तब तक लोग भोजन न करेंगे, इसलिए कि यज्ञ के विषय में वही धन्यवाद करता। तब उसके पीछे ही न्योतहरी भोजन करते हैं, इसलिए तुम अभी चढ़ जाओ, इसी समय वह तुम्हें मिलेगा। वे नगर में चढ़ गए और जो ही नगर के भीतर पहुंचे त्यों ही शमूएल ऊंचे स्थान पर चढ़ने की मनसा से उनके सामने आ रहा था। शाऊल के आने से एक दिन पहले यहोवा ने शमूएल को यह चिता रखा था कि कल इसी समय मैं तेरे पास बन्यामिनी देश के एक पुरुष को भेजूंगा, उसी को तू मेरी इसराइली प्रजा के ऊपर प्रधान होने के लिए अभिषेक करना।
वह मेरी प्रजा को पलिश्तियों के हाथ से छुड़ाएगा, क्योंकि मैंने अपनी प्रजा पर कृपा दृष्टि की है, इसलिए कि उनकी चिल्लाहट मेरे पास पहुंची है। फिर जब शमूएल को शाऊल देख पड़ा, तब यहोवा ने उससे कहा, जिस पुरुष की चर्चा मैंने तुझसे की थी वह यही है, मेरी प्रजा पर यही अधिकार करेगा। तब शाऊल फाटक में शमूएल के निकट जाकर कहने लगा, मुझे बता कि दर्शी का घर कहाँ है। उसने कहा, दर्शी तो मैं हूँ, मेरे आगे आगे ऊंचे स्थान पर चढ़ जा, क्योंकि आज के दिन तुम मेरे साथ भोजन खाओगे और बिहान को जो कुछ तेरे मन में हो सब कुछ मैं तुझे बताकर विदा करूंगा, और तेरी गधिया जो 3 दिन हुए खो गई थी उनकी कुछ भी चिंता न कर, क्योंकि वे मिल गए। और इसराइल में जो कुछ मनभाव है वह किसका है? क्या वह तेरा और तेरे पिता के सारे घराने का नहीं है? शाऊल ने उत्तर देकर कहा, क्या मैं बन्यामिनी अर्थात सब इसराइली गोत्रों में से छोटे गोत्र का नहीं हूँ? और क्या मेरा कुल बिन्यामिनी के गोत्र के सारे कुलों में से छोटा नहीं है? इसलिए तू मुझसे ऐसी बातें क्यों कहता है? तब शमूएल ने शाऊल और उसके सेवक को कोठरी में पहुंचाकर न्योताहारी जो लगभग 30 जन थे उनके साथ मुख्य स्थान पर बैठा दिया। फिर शमूएल ने रसोई से कहा, जो टुकड़ा मैंने तुझे देकर अपने पास रख छोड़ने को कहा था उसे ले आ। तो रसोई ने जांग को मांस समेत उठाकर शाऊल के आगे धर दिया। तब शमूएल ने कहा, जो रखा गया था उसे देख और अपने सामने धर के खा, क्योंकि वह तेरे इसी नियत समय तक जिसकी चर्चा करके मैंने लोगों को न्योता दिया रखा हुआ है। और शाऊल ने उस दिन शमूएल के साथ भोजन किया। तब वे ऊंचे स्थान से उतरकर नगर में आए और उसने घर की छत पर शाऊल से बातें की। बिहान को वे तड़के उठे और पह फटते फटते शमूएल ने शाऊल को छत पर बुलवाकर कहा, उठ मैं तुझको विदा करूंगा। तब शाऊल उठा और वह और शमूएल दोनों बाहर निकल गए। और नगर के सिरे की उतराई पर चलते चलते शमूएल ने शाऊल से कहा, अपने सेवक को हमसे आगे बढ़ने की आज्ञा दे। वह आगे बढ़ गया, परंतु तू अभी खड़ा रह कि मैं तुझे परमेश्वर का वचन सुनाऊं। शमूएल भविष्यवक्ता की पहली पुस्तक अध्याय 10। शमूएल भविष्यवक्ता की पहली पुस्तक अध्याय 10। तब शमूएल ने एक कुप्पी तेल लेकर उसके सिर पर उंडेला और उसे चूम कर कहा, क्या इसका कारण यह नहीं कि यहोवा ने अपने निज भाग के ऊपर प्रधान होने को तेरा अभिषेक किया है? आज जब तू मेरे पास से चला जाएगा, तब राहेल की कब्र के पास जो बिन्यामीन के देश के सिवाने पर सेलसह में है, 2 जन तुझे मिलेंगे और कहेंगे कि जिन गधियों को तू ढूंढने गया था वे मिली है। और सुन, तेरा पिता गधियों की चिंता छोड़कर तुम्हारे कारण क्रूरता हुआ कहता है कि मैं अपने पुत्र के लिए क्या करूं। फिर वहां से आगे बढ़कर जब तू ताबोर के बांज वृक्ष के पास पहुंचेगा, तब वहां 3 जन परमेश्वर के पास बेतेल को जाते हुए तुझे मिलेंगे, जिनमें से एक तो बकरी के 3 बच्चे और दूसरा 3 रोटी और तीसरा 1 कुप्पा दाख मधु लिए होगा। और वे तेरा कुशल पूछेंगे और तुझे 2 रोटी देंगे और तू उन्हें उनके हाथ से ले लेना। तब तू परमेश्वर के पहाड़ पर पहुंचेगा जहां पलिश्तियों की चौकी है। और जब तू वहां नगर में प्रवेश करे, तब नबियों का एक दल ऊंचे स्थान से उतरता हुआ तुझे मिलेगा और उनके आगे सितार, डप, बांसुली और वीणा होंगे और वे नबूवत करते होंगे। तब यहोवा का आत्मा तुझ पर बल से उतरेगा और तू उनके साथ होकर नबूवत करने लगेगा और तू परिवर्तित होकर और ही मनुष्य हो जाएगा। और जब ये चिन्ह तुझे देख पड़ेंगे, तब जो काम करने का अवसर तुझे मिले उसमें लग जाना, क्योंकि परमेश्वर तेरे संग रहेगा और तू
मुझसे पहले गिलगाल को जाना और मैं होमबलि और मेलबलि चढ़ाने के लिए तेरे पास आऊंगा। तू 7 दिन तक मेरी बाट जोहते रहना, तब मैं तेरे पास पहुंचकर तुझे बताऊंगा कि तुझको क्या क्या करना है। जो ही उसने शमूएल के पास से जाने को पीठ फेरी, त्यों ही परमेश्वर ने उसके मन को परिवर्तन किया और वे सब चिन्ह उसी दिन प्रकट हुए। जब वे उधर उस पहाड़ के पास आए, तब नबियों का एक दल उसको मिला और परमेश्वर का आत्मा उस पर बल से उतरा और वह उनके बीच में नबूवत करने लगा। जब उन सबों ने, जो उसे पहले से जानते थे, यह देखा कि वह नबियों के बीच में नबूवत कर रहा है, तब आपस में कहने लगे कि कीश के पुत्र को यह क्या हुआ? क्या शाऊल भी नबियों में का है? वहां के एक मनुष्य ने उत्तर दिया, भला उनका बाप कौन है? इस पर यह कहावत चलने लगी कि क्या शाऊल भी नबियों में का है? जब वह नबूवत कर चुका, तब ऊंचे स्थान पर चढ़ गया। तब शाऊल के चचा ने उससे और उसके सेवक से पूछा कि तुम कहां गए थे? उसने कहा, हम तो गधियों को ढूंढने गए थे और जब हमने देखा कि वे कहीं नहीं मिलती, तब शमूएल के पास गए। शाऊल के चचा ने कहा, मुझे बता दे कि शाऊल ने तुमसे क्या कहा। शाऊल ने अपने चचा से कहा कि उसने हमें निश्चय करके बताया कि गधिया मिल गई, परंतु जो बात शमूएल के राज्य के विषय में कही थी, वह उसने उससे उनको न बताई। तब शमूएल ने प्रजा के लोगों को मिस्पा में यहोवा के पास बुलाया। तब उसने इसराइलियों से कहा, इसराइल का परमेश्वर यहोवा यो कहता है कि मैं तो इसराइल को मिस्र देश से निकाल लाया और तुमको मिस्रियों के हाथ से और उन सब राज्यों के हाथ से जो तुम पर अंधेर करते थे छुड़ाया है, परंतु तुमने आज अपने परमेश्वर को, जो सब विपत्तियों और कष्टों से तुम्हारा छुड़ाने वाला है, तुच्छ जाना और उससे कहा है कि हम पर राजा नियुक्त कर दे। इसलिए अब तुम गोत्र गोत्र और हजार हजार करके यहोवा के सामने खड़े हो जाओ। तब शमूएल सारे इसराइली गोत्रियों को समीप लाया और चिट्ठी बिन्यामिन के नाम पर निकली। तब वह बिन्यामिन के गोत्र को कुल कुल करके समीप लाया और चिट्ठी मत्री के कुल के नाम पर निकली। फिर चिट्ठी कीश के पुत्र शाऊल के नाम पर निकली और जब वह ढूंढा गया, तब न मिला। तब उन्होंने फिर यहोवा से पूछा, क्या यहां कोई और आने वाला है? यहोवा ने कहा, हां सुनो, वह सामान के बीच में छिपा हुआ है। तब वे दौड़कर उसे वहां से लाए और वह लोगों के बीच में खड़ा हुआ और वह कांधे से सिर तक सब लोगों से लंबा था। शमूएल ने सब लोगों से कहा, क्या तुमने यहोवा के चुने हुए को देखा है कि सारे लोगों में कोई उसके बराबर नहीं? तब सब लोग ललकार कर बोल उठे, राजा चिरंजीव रहे। तब शमूएल ने लोगों से राजनीति का वर्णन किया और उसे पुस्तक में लिखकर यहोवा के आगे रख दिया और शमूएल ने सब लोगों को अपने अपने घर जाने को विदा किया और शाऊल गिबा को अपने घर चला गया और उसके साथ एक दल भी गया जिनके मन को परमेश्वर ने उभारा था। परंतु कई लुच्चे लोगों ने कहा, यह जन हमारा क्या उद्धार करेगा? और उन्होंने उसको तुच्छ जाना और उसके पास भेंट न लाए, तो भी वह सुनी अनसुनी करके चुप रहा। शमूएल भविष्यवक्ता की पहली पुस्तक अध्याय 11। शमूएल भविष्यवक्ता की पहली पुस्तक अध्याय 11। तब अम्मोनी नहाश ने चढ़ाई करके गिलाद के याबेश के विरुद्ध छावनी डाली और याबेश के सब पुरुषों ने नहाश से कहा, हमसे वाचा बांध और हम तेरी अधीनता मान लेंगे। अम्मोनी नहाश ने उनसे कहा, मैं तुमसे वाचा इस शर्त पर बांधूंगा
कि मैं तुम सबों की दाहिनी आंखें फोड़कर इसे सारे इसराइल की नामधराई का कारण कर दूं। याबेश के वृद्ध लोगों ने उससे कहा, हमें 7 दिन का अवकाश दे, तब तक हम इसराइल के सारे देश में दूत भेजेंगे, और यदि हमको कोई बचाने वाला न मिलेगा तो हम तेरे ही पास निकल आएंगे। दूतों ने शाउल वाले गिबा में आकर लोगों को यह संदेश सुनाया और सब लोग चिल्ला चिल्ला कर रोने लगे, और शाउल बैलों के पीछे पीछे मैदान में चला आता था। और शाउल ने पूछा, लोगों को क्या हुआ कि वे रोते हैं? उन्होंने याबेश के लोगों का संदेश उसे सुनाया। यह संदेश सुनते ही शाउल पर परमेश्वर का आत्मा बल से उतरा और उसका कोप बहुत भड़क उठा, और उसने एक जोड़ी बैल लेकर उसके टुकड़े टुकड़े काटे, और यह कहकर दूतों के हाथ से इसराइल के सारे देश में कहला भेजा कि जो कोई आकर शाउल और शमूएल के पीछे न हो लेगा, उनके बैलों से ऐसा ही किया जाएगा। तब यहोवा का भय लोगों में ऐसा समाया कि वे एक मन होकर निकल आए। तब उसने उन्हें बेजेक में गिन लिया, और इसराइलियों के 300,000 और यहूदियों के 300,000 ठहरे, और उन्होंने उन दूतों में से जो आए थे कहा, तुम गिलाद में के याबेश के लोगों से यो कहो कि कल धूप तेज होने की घड़ी तक तुम छुटकारा पाओगे। तब दूतों ने जाकर याबेश के लोगों को संदेश दिया और वे आनंदित हुए। तब याबेश के लोगों ने कहा, हम कल तुम्हारे पास निकल आएंगे, और जो कुछ तुमको अच्छा लगे वही हमसे करना। दूसरे दिन शाउल ने लोगों के 3 दल किए, और उन्होंने रात के पिछले पहर में छावनी के बीच में आकर अम्मोनियों को मारा, और घाम के कड़े होने के समय तक ऐसे मारते रहे कि जो बच निकले वे यहां तक तीतर बितर हुए कि 2 जन भी एक संग कहीं न रहे। तब लोग शमूएल से कहने लगे, जिन मनुष्यों ने कहा था कि क्या शाउल हम पर राज्य करेगा, उनको लाओ कि हम उन्हें मार डालें। शाउल ने कहा, आज के दिन कोई मार डाला न जाएगा, क्योंकि आज यहोवा ने इसराइलियों को छुटकारा दिया है। तब शमूएल ने इसराइलियों से कहा, आओ हम गिलगाल को चले और वहां राज्य को नए सिरे से स्थापित करें। तब सब लोग गिलगाल को चले, और वहां उन्होंने गिलगाल में यहोवा के सामने शाउल को राजा बनाया, और वही उन्होंने यहोवा को मेलबलि चढ़ाया, और वही शाउल और सब इसराइली लोगों ने अत्यंत आनंद मनाया। शमूएल भविष्यवक्ता की पहली पुस्तक अध्याय 12। शमूएल भविष्यवक्ता की पहली पुस्तक अध्याय 12। तब शमूएल ने सारे इसराइलियों से कहा, सुनो, जो कुछ तुमने मुझसे कहा था उसे मानकर मैंने एक राजा तुम्हारे ऊपर ठहराया है, और अब देखो वह राजा तुम्हारे आगे आगे चलता है, और अब मैं बूढ़ा हूं और मेरे बाल उजले हो गए हैं, और मेरे पुत्र तुम्हारे पास है, और मैं लड़कपन से लेकर आज तक तुम्हारे सामने काम कर रहा हूं, मैं उपस्थित हूं। इसलिए तुम यहोवा के सामने और उनके अभिषिक्त के सामने मुझ पर साक्षी दो कि मैंने किसका बैल ले लिया, वह किसका गधा ले लिया, वह किस पर अंधेर किया, वह किसको पीसा, वह किसके हाथ से अपनी आंखें बंद करके घूस लिया, बताओ, और मैं वह तुमको फेर दूंगा। वे बोले, तूने न तो हम पर अंधेर किया, न हमें पीसा, और न किसी के हाथ से कुछ लिया। उसने उनसे कहा, आज के दिन यहोवा तुम्हारा साक्षी है और उसका अभिषिक्त इस बात का साक्षी है कि मेरे यहां कुछ नहीं निकला। वे बोले, हाँ वह साक्षी है। फिर शमूएल लोगों से कहने लगा, जो मूसा और हारून को ठहराकर तुम्हारे पूर्वजों को मिस्र देश से निकाल लाया वह यहोवा ही है, इसलिए अब तुम खड़े रहो और मैं यहोवा के सामने उसके सब धर्म के कामों के विषय में जिन्हें उसने तुम्हारे साथ और तुम्हारे पूर्वजों के साथ किया है तुम्हारे साथ विचार करूंगा।
याकूब मिस्र में गया और तुम्हारे पूर्वजों ने यहोवा की दोहाई दी। तब यहोवा ने मूसा और हारून को भेजा और उन्होंने तुम्हारे पूर्वजों को मिस्र से निकाला और इस स्थान में बसाया। फिर जब वे अपने परमेश्वर यहोवा को भूल गए तब उसने उन्हें हासोर के सेनापति सिसरा और पलिश्तियों और मोआब के राजा के अधीन कर दिया और वे उनसे लड़े। तब उन्होंने यहोवा की दोहाई देकर कहा, हमने यहोवा को त्याग कर और बाल देवताओं और अश्तोरे देवियों की उपासना करके महापाप किया है, परंतु अब तू हमको हमारे शत्रुओं के हाथ से छुड़ा तो हम तेरी उपासना करेंगे। इसलिए यहोवा ने यरूब्बाल, बदान, इप्तह और शमूएल को भेजकर तुमको तुम्हारे चारों ओर के शत्रुओं के हाथ से छुड़ाया और तुम निडर रहने लगे। और जब तुमने देखा कि अम्मोनियों का राजा नहाश हम पर चढ़ाई करता है, तब यद्यपि तुम्हारा परमेश्वर यहोवा तुम्हारा राजा था, तो भी तुमने मुझसे कहा, नहीं, हम पर एक राजा राज्य करेगा। अब उस राजा को देखो जिसे तुमने चुन लिया और जिसके लिए तुमने प्रार्थना की थी। देखो, यहोवा ने एक राजा तुम्हारे ऊपर नियुक्त कर दिया है। यदि तुम यहोवा का भय मानते, उसकी उपासना करते और उसकी बात सुनते रहो और यहोवा की आज्ञा को टालकर उससे बलवा न करो और तुम और वह जो तुम पर राजा हुआ है दोनों अपने परमेश्वर यहोवा के पीछे पीछे चलने वाले बने रहो, तब तो भला होगा। परंतु यदि तुम यहोवा की बात न मानो और यहोवा की आज्ञा को टालकर उससे बलवा करो, तो यहोवा का हाथ जैसे तुम्हारे पुरखाओं के विरुद्ध हुआ वैसे ही तुम्हारे भी विरुद्ध उठेगा। इसलिए अब तुम खड़े रहो और इस बड़े काम को देखो जिससे यहोवा तुम्हारी आंखों के सामने करने पर है। आज क्या गेहूं की कटनी नहीं हो रही? मैं यहोवा को पुकारूंगा और वह मेघ गरजाएगा और मेह बरसाएगा। तब तुम जान लोगे और देख भी लोगे कि तुमने राजा मांगकर यहोवा की दृष्टि में बहुत बड़ी बुराई की है। तब शमूएल ने यहोवा को पुकारा और यहोवा ने उसी दिन मेघ गरजाया और मेह बरसाया और सब लोग यहोवा से और शमूएल से अत्यंत डर गए। और सब लोगों ने शमूएल से कहा, अपने दासों के निमित्त अपने परमेश्वर यहोवा से प्रार्थना कर कि हम मर न जाए, क्योंकि हमने अपने सारे पापों से बढ़कर यह बुराई की है कि राजा मांगा है। शमूएल ने लोगों से कहा, डरो मत, तुमने यह सब बुराई तो की है, परंतु अब यहोवा के पीछे चलने से फिर मत मुड़ना, परंतु अपने संपूर्ण मन से उसकी उपासना करना और मत मुड़ना, नहीं तो ऐसी व्यर्थ वस्तुओं के पीछे चलने लगोगे जिससे न कुछ लाभ पहुंचेगा और न कुछ छुटकारा हो सकता है, क्योंकि वे सब व्यर्थ ही है। यहोवा तो अपने बड़े नाम के कारण अपनी प्रजा को न तजेगा, क्योंकि यहोवा ने तुम्हें अपनी ही इच्छा से अपनी प्रजा बनाया है। फिर यह मुझसे दूर हो कि मैं तुम्हारे लिए प्रार्थना करना छोड़कर यहोवा के विरुद्ध पापी ठहरू। मैं तो तुम्हें अच्छा और सीधा मार्ग दिखाता रहूंगा। केवल इतना हो कि तुम लोग यहोवा का भय मानो और सच्चाई से अपने संपूर्ण मन के साथ उसकी उपासना करो, क्योंकि यह तो सोचो कि उसने तुम्हारे लिए कैसे बड़े बड़े काम किए हैं। परंतु यदि तुम बुराई करते ही रहोगे तो तुम और तुम्हारा राजा दोनों के दोनों मिट जाओगे। शमूएल भविष्यवक्ता की पहली पुस्तक अध्याय 13। शमूएल भविष्यवक्ता की पहली पुस्तक अध्याय 13। शाऊल 30 वर्ष का होकर राज्य करने लगा और उसने इसराइलियों पर 2 वर्ष तक राज्य किया। फिर शाऊल ने इसराइलियों में से 3,000 पुरुषों को अपने लिए चुन लिया और उनमें से 2,000 शाऊल के साथ मिकमाश में और बेतेल के पहाड़ पर रहे और 1,000 योनातान के साथ बिन्यामिन के गिबा में रहे और
दूसरे सब लोगों को उसने अपने अपने डेरे में जाने को विदा किया। तब योनातान ने पलिश्तियों की उस चौकी को जो गिबा में थी मार लिया और इसका समाचार पलिश्तियों के कानों में पड़ा। तब शाऊल ने सारे देश में नरसिंगा फुकवाकर यह कहला भेजा कि इब्री लोग सुने, और सब इसराइलियों ने यह सुसमाचार सुना कि शाऊल ने पलिश्तियों की चौकी को मारा है, और यह भी कि पलिश्ती इसराइल से घृणा करने लगे हैं। तब लोग शाऊल के पीछे चलकर गिलगाल में इकट्ठे हो गए, और पलिश्ती इसराइल से युद्ध करने के लिए इकट्ठे हो गए, अर्थात 30,000 रथ और 6,000 सवार और समुद्र के तीर की बालू के किनकों के समान बहुत से लोग इकट्ठे हुए, और बेताबेन के पूर्व की ओर जाकर मिकमाश में छावनी डाली। जब इसराइली पुरुषों ने देखा कि हम सकेती में पड़े हैं और सचमुच लोग संकट में पड़े थे, तब वे लोग गुफाओं, झाड़ियों, चट्टानों, गढ़ियों और गड्ढों में जा छिपे, और कितने इब्री यर्दन पार होकर गाद और गिलाद के देशों में चले गए, परंतु शाऊल गिलगाल ही में रहा और सब लोग थरथराते हुए उसके पीछे हो लिए। वह शमूएल के ठहराए हुए समय अर्थात 7 दिन तक बाट जोहता रहा, परंतु शमूएल गिलगाल में न आया और लोग उसके पास से इधर उधर होने लगे। तब शाऊल ने कहा, होमबली और मेलबली मेरे पास लाओ। तब उसने होमबली को चढ़ाया। जो ही वह होमबली को चढ़ा चुका तो क्या देखता है कि शमूएल आ पहुंचा और शाऊल उससे मिलने और नमस्कार करने को निकला। शमूएल ने पूछा, तूने क्या किया? शाऊल ने कहा, जब मैंने देखा कि लोग मेरे पास से इधर उधर हो चले हैं और तू ठहराए हुए दिनों के भीतर नहीं आया और पलिश्ती मिकमाश में इकट्ठे हुए हैं, तब मैंने सोचा कि पलिश्ती गिलगाल में मुझ पर कभी आ पड़ेंगे और मैंने यहोवा से विनती भी नहीं की है, सो मैंने अपनी इच्छा न रहते भी होमबलि चढ़ाया। शमूएल ने शाऊल से कहा, तूने मूर्खता का काम किया है, तूने अपने परमेश्वर यहोवा की आज्ञा को नहीं माना, नहीं तो यहोवा तेरा राज्य इसराइलियों के ऊपर सदा स्थिर रखता, परंतु अब तेरा राज्य बना न रहेगा। यहोवा ने अपने लिए एक ऐसे पुरुष को ढूंढ लिया है जो उसके मन के अनुसार है, और यहोवा ने उसी को अपनी प्रजा पर प्रधान होने को ठहराया है, क्योंकि तूने यहोवा की आज्ञा को नहीं माना। तब शमूएल चल निकला और गिलगाल से बिन्यामिन के गिबा को गया, और शाऊल ने अपने साथ के लोगों को गिनकर कोई 600 पाए, और शाऊल और उसका पुत्र योनातान और जो लोग उसके साथ थे वे बिन्यामिन के गिबा में रहे, और पलिश्ती मिकमाश में डेरे डाले पड़े रहे, और पलिश्तियों की छावनी से नाश करने वाले 3 दल बांध कर निकले। एक दल ने शुआल नाम देश की ओर फिर के ओपरा का मार्ग लिया, एक और दल ने मुड़कर बेथोरोन का मार्ग लिया, और एक और दल ने मुड़कर उस देश का मार्ग लिया जो सबोइम नाम तराई की ओर जंगल की तरफ है, और इसराइल के पूरे देश में लोहार कहीं नहीं मिलता था, क्योंकि पलिश्तियों ने कहा था कि इब्री तलवार व भाला बनाने न पाए, इसलिए सब इसराइली अपने अपने हल की फली और भाले और कुल्हाड़ी और हंसुआ तेज करने के लिए पलिश्तियों के पास जाते थे, परंतु उनके हंसु फलों की खेती के त्रिशूलों और कुल्हाड़ियों की धारे और पैनों की नोके ठीक करने के लिए वे रेती रखते थे। सो युद्ध के दिन शाऊल और योनातान के साथियों में से किसी के पास न तो तलवार थी और न भाला, वे केवल शाऊल और उसके पुत्र योनातान के पास रहे, और पलिश्तियों की चौकी के सिपाही निकलकर मिकमाश की घाटी को गए। शमूएल भविष्यवक्ता की पहली पुस्तक अध्याय 14। शमूएल भविष्यवक्ता की पहली पुस्तक अध्याय 14। एक दिन शाऊल के पुत्र योनातान ने अपने पिता से
बिना कुछ कहे अपने हथियार ढोने वाले जवान से कहा, आ हम उस पलिश्तियों की चौकी के पास चले। शाऊल तो गिबा के सिरे पर मिग्रोन में के अनार के पेड़ के तले टिका हुआ था और उसके संग के लोग कोई 600 थे और एली जो शिलो में यहोवा का याजक था उसके पुत्र पिनहास का पोता और इकाबोद के भाई अहितूब का पुत्र अहियाह भी एपोत पहने हुए संग था। परंतु उन लोगों को मालूम न था कि योनातान चला गया है। उन घाटियों के बीच में जिनमें से होकर योनातान पलिश्तियों की चौकी को जाना चाहता था दोनों अलंगों पर एक एक नोकीली चट्टान थी। एक चट्टान का नाम तो बोसेस और दूसरी का नाम सेने था। एक चट्टान तो उत्तर की ओर मिकमाश के सामने और दूसरी दक्षिण की ओर गेबा के सामने खड़ी थी। तब योनातान ने अपने हथियार ढोने वाले जवान से कहा, आ हम उस खतनाहीन लोगों की चौकी के पास जाए, क्या जाने यहोवा हमारी सहायता करे, क्योंकि यहोवा को कुछ रोक नहीं कि चाहे तो वह बहुत लोगों के द्वारा चाहे थोड़े लोगों के द्वारा छुटकारा दे। उसके हथियार ढोने वाले ने उससे कहा, जो कुछ तेरे मन में हो वही कर, उधर चल, मैं तेरी इच्छा के अनुसार तेरे संग रहूंगा। योनातन ने कहा, सुन, हम उन मनुष्यों के पास जाकर अपने को उन्हें दिखाए, यदि वे हमसे यो कहे हमारे आने तक ठहरे रहो तब तो हम उसी स्थान पर खड़े रहे और उनके पास न चढ़े, परंतु यदि वे यह कहे कि हमारे पास चढ़ाओ तो हम यह जानकर चढ़े कि यहोवा उन्हें हमारे साथ कर देगा, हमारे लिए यही चिन्ह हो। तब उन दोनों ने अपने को पलिश्तियों की चौकी पर प्रकट किया। तब पलिश्ती कहने लगे, देखो इब्री लोग उन बिलों में से जहां वे छिप रहे थे निकले आते हैं। फिर चौकी के लोगों ने योनातान और उसके हथियार ढोने वाले से पुकार के कहा, हमारे पास चढ़ाओ तब हम तुमको कुछ सिखाएंगे। तब योनातान ने अपने हथियार ढोने वाले से कहा, मेरे पीछे पीछे चढ़ा, क्योंकि यहोवा उन्हें इसराइलियों के हाथ में कर देगा। और योनातान अपने हाथों और पाओ के बल चढ़ गया और उसका हथियार ढोने वाला भी उसके पीछे पीछे चढ़ गया और पलिश्ती योनातान के सामने गिरते गए और उसका हथियार ढोने वाला उसके पीछे पीछे उन्हें मारता गया। यह पहला संहार था जो योनातान और उसके हथियार ढोने वाले से हुआ। उसमें आधे बीघे भूमि में 20 पुरुष मारे गए और छावनी में और मैदान पर और उन सब लोगों में थरथराहट हुई और चौकी वाले और नाश करने वाले भी थरथराने लगे और भूढोल भी हुआ और अत्यंत बड़ी थरथराहट हुई। और बिन्यामीन के गिबा में शाऊल के पहरुओं ने दृष्टि करके देखा कि वह भीड़ घटती जाती है और वे लोग इधर उधर चले जाते हैं। तब शाऊल ने अपने साथ के लोगों से कहा, अपनी गिनती करके देखो कि हमारे पास से कौन चला गया है। उन्होंने गिनकर देखा कि योनातान और उसका हथियार ढोने वाला यहां नहीं है। तब शाऊल ने अहिया से कहा, परमेश्वर का संदूक इधर ला। उस समय तो परमेश्वर का संदूक इसराइलियों के साथ था। शाऊल याजक से बातें कर रहा था कि पलिश्तियों की छावनी में हुल्लड़ अधिक होता गया। तब शाऊल ने याजक से कहा, अपना हाथ खींच। तब शाऊल और उसके संग के सब लोग इकट्ठे होकर लड़ाई में गए। वहां उन्होंने क्या देखा कि एक एक पुरुष की तलवार अपने अपने साथी पर चल रही है और बहुत बड़ा कोलाहल मच रहा है। और जो इब्री पहले की नाई पलिश्तियों की ओर के थे और उनके साथ चारों ओर से छावनी में गए थे वे भी शाऊल और योनातान के संग के इसराइलियों में मिल गए। और जितने इसराइली पुरुष एप्रेम के पहाड़ी देश में छिप गए थे वे भी यह सुनकर कि पलिश्ती भागे जाते हैं लड़ाई में आकर उनका पीछा करने में लग गए। तब यहोवा ने उस दिन इसराइलियों को छुटकारा दिया और लड़ने वाले बेतावेन की परली
ओर तक चले गए, परंतु इस्राएली पुरुष उस दिन तक तंग हुए, क्योंकि शाऊल ने उन लोगों को शपथ धराकर कहा, शापित हो वह जो सांझ से पहले कुछ खाए, इसी रीति मैं अपने शत्रुओं से पलटा ले सकूंगा। तब उन लोगों में से किसी ने कुछ भी भोजन न किया और सब लोग किसी वन में पहुंचे जहां भूमि पर मधु पड़ा हुआ था। जब लोग वन में आए तब क्या देखा कि मधु टपक रहा है, तो भी शपथ के डर के मारे कोई अपना हाथ अपने मुंह तक न ले गया, परंतु योनातान ने अपने पिता को लोगों को शपथ धराते न सुना था, इसलिए उसने अपने हाथ की छड़ी की नोक बढ़ाकर मधु के छत्ते में डुबाया और अपना हाथ अपने मुंह तक लगाया, तब उसकी आंखों में ज्योति आई। तब लोगों में से एक मनुष्य ने कहा, तेरे पिता ने लोगों को दृढ़ता से शपथ धरा के कहा, शापित हो वह जो आज कुछ खाए, और लोग थके मांदे थे। योनातान ने कहा, मेरे पिता ने लोगों को कष्ट दिया है, देखो मैंने इस मधु को थोड़ा सा चखा और मुझे आंखों से कैसा सूझने लगा। यदि आज लोग अपने शत्रुओं की लूट से जिसे उन्होंने पाया मनमाना खाते तो कितना अच्छा होता, अभी तो बहुत पलिश्ती मारे नहीं गए। उस दिन वे मिकमाश से लेकर अयालोन तक पलिश्तियों को मारते गए और लोग बहुत ही थक गए, सो वे लूट पर लूट टूटे और भेड़ बकरी और गाय बैल और बछड़े लेकर भूमि पर मार के उनका मांस लोहू समेत खाने लगे। जब इसका समाचार शाऊल को मिला कि लोग लहू समेत मांस खाकर यहोवा के विरुद्ध पाप करते हैं, तब उसने उनसे कहा, तुमने तो विश्वासघात किया है, अभी एक बड़ा पत्थर मेरे पास लुढ़का दो। फिर शाऊल ने कहा, लोगों के बीच में इधर उधर फिर के उनसे कहो कि अपना अपना बैल और भेड़ शाऊल के पास ले आओ और वही बलि करके खाओ और लोहू समेत खाकर यहोवा के विरुद्ध पाप न करो। तब सब लोगों ने उसी रात अपना अपना बैल ले जाकर वही बलि किया। तब शाऊल ने यहोवा के लिए एक वेदी बनाई, वह तो पहली वेदी है जो उसने यहोवा के लिए बनवाई थी। फिर शाऊल ने कहा, हम इसी रात को पलिश्तियों का पीछा करके उन्हें भोर तक लूटते रहे और उनमें से एक मनुष्य को भी जीवित न छोड़े। उन्होंने कहा, जो कुछ तुझे अच्छा लगे वही कर। परंतु याजक ने कहा, हम इधर परमेश्वर के समीप आए। तब शाऊल ने परमेश्वर से पूछवाया कि क्या मैं पलिश्तियों का पीछा करूं, क्या तू उन्हें इस्राएल के हाथ में कर देगा, परंतु उसे उस दिन कुछ उत्तर न मिला। तब शाऊल ने कहा, हे प्रजा के मुख्य लोगों, इधर आकर बूझो और देखो कि आज पाप किस प्रकार से हुआ है, क्योंकि इस्राएल के छुड़ाने वाले यहोवा के जीवन की शपथ, यदि वह पाप मेरे पुत्र योनातान से हुआ हो तो भी निश्चय वह मार डाला जाएगा। परंतु लोगों में से किसी ने उसे उत्तर न दिया। तब उसने सारे इस्राएलियों से कहा, तुम एक ओर हो और मैं और मेरा पुत्र योनातान दूसरी ओर होंगे। लोगों ने शाऊल से कहा, जो कुछ तुझे अच्छा लगे वही कर। तब शाऊल ने यहोवा से कहा, हे इस्राएल के परमेश्वर, सत्य बात बता। तब चिट्ठी योनातान और शाऊल के नाम पर निकली और प्रजा बच गई। फिर शाऊल ने कहा, मेरे और मेरे पुत्र योनातान के नाम पर चिट्ठी डालो। तब चिट्ठी योनातान के नाम पर निकली। तब शाऊल ने योनातान से कहा, मुझे बता कि तूने क्या किया है। योनातान ने बताया और उसने कहा, मैंने अपने हाथ की छड़ी की नोक से थोड़ा सा मधु चख तो लिया है और देख मुझे मरना है। शाऊल ने कहा, परमेश्वर ऐसा ही करे, वरन इससे भी अधिक करे। हे योनातान, तू निश्चय मारा जाएगा। परंतु लोगों ने शाऊल से कहा, क्या योनातान मारा जाए जिसने इस्राएलियों का ऐसा छुटकारा किया है? ऐसा न हो, यहोवा की जीवन की शपथ, उसके सिर का एक बाल भी भूमि पर गिरने न पाए, क्योंकि आज के दिन उसने परमेश्वर के साथ होकर काम किया है। तब प्रजा के लोगों ने योनातान को बचा लिया और वह मारा न गया। तब
शाऊल पलिश्तियों का पीछा छोड़कर लौट गया और पलिश्ती भी अपने स्थान को चले गए। जब शाऊल इसराइलियों के राज्य में स्थिर हो गया तब वह मोआबी, अम्मोनी, एदोमी और पलिश्ती अपने चारों ओर के सब शत्रुओं से और सोबा के राजाओं से लड़ा और जहां जहां वह जाता वहां जय पाता था। फिर उसने वीरता करके अमालेकियों को जीता और इसराइलियों को लूटने वालों के हाथ से छुड़ाया। शाऊल के पुत्र योनातान, ईश्वी और मलकीश थे और उसकी दो बेटियों के नाम ये थे, बड़ी का नाम तो मेरवा और छोटी का नाम मिकल था और शाऊल की स्त्री का नाम अही नुआम था जो अहिमास की बेटी थी और उसके प्रधान सेनापति का नाम अबनेर था जो शाऊल के चचा नेर का पुत्र था और शाऊल का पिता कीश था और अबनेर का पिता नेर अबियल का पुत्र था। और शाऊल जीवन भर पलिश्तियों के संग्राम करता रहा। जब जब शाऊल को कोई वीर व अच्छा योद्धा दिखाई पड़ा तब तब उसने उसे अपने पास रख लिया। शमूएल भविष्यवक्ता की पहली पुस्तक अध्याय 15। शमूएल भविष्यवक्ता की पहली पुस्तक अध्याय 15। शमूएल ने शाऊल से कहा, यहोवा ने अपनी प्रजा इसराइल पर राज्य करने के लिए तेरा अभिषेक करने को मुझे भेजा था, इसलिए अब यहोवा की बातें सुन ले। सेनाओं का यहोवा यह कहता है कि मुझे चेत आता है कि अमालेकियों ने इसराइलियों से क्या किया और जब इसराइली मिस्र से आ रहे थे तब उन्होंने मार्ग में उनका सामना किया, इसलिए अब तू जाकर अमालेकियों को मार और जो कुछ उनका है उसे बिना कोमलता किए सत्यानाश कर। क्या पुरुष, क्या स्त्री, क्या बच्चा, क्या दूध पिऊआ, क्या गाय, क्या बैल, क्या भेड़ बकरी, क्या ऊंट, क्या गधा, सबको मार डाल। तब शाऊल ने लोगों को बुलाकर इकट्ठा किया और उन्हें तलाई में गिना और वे 200,000 प्यादे और 10,000 यहूदी पुरुष भी थे। तब शाऊल ने अमालेक नगर के पास जाकर एक नाले में घातक को बिठाया और शाऊल ने केनियों से कहा कि वहां से हटो, अमालेकियों के मध्य में से निकल जाओ, कहीं ऐसा न हो कि मैं उनके साथ तुम्हारा भी अंत कर डालूं, क्योंकि तुमने सब इसराइलियों पर उनके मिस्र से आते समय प्रीति दिखाई थी और केनी अमालेकियों के मध्य में से निकल गए। तब शाऊल ने हविला से लेकर शूर तक जो मिस्र के सामने है अमालेकियों को मारा और उनके राजा अगाग को जीवित पकड़ा और उसकी सब प्रजा को तलवार से सत्यानाश कर डाला, परंतु अगाग पर और अच्छी से अच्छी भेड़ बकरियों, गाय बैलों, मोटे पशुओं और मेमनों और जो कुछ अच्छा था उन पर शाऊल और उसकी प्रजा ने कोमलता की और उन्हें सत्यानाश करना न चाहा, परंतु जो कुछ तुच्छ और निकम्मा था उसको उन्होंने सत्यानाश किया। तब परमेश्वर का यह वचन शमूएल के पास पहुंचा कि मैं शाऊल को राजा बना के पछताता हूं, क्योंकि उसने मेरे पीछे चलना छोड़ दिया और मेरी आज्ञाओं का पालन नहीं किया। तब शमूएल का क्रोध भड़का और वह रात भर यहोवा की दोहाई देता रहा। बिहान को जब शमूएल शाऊल से भेंट करने के लिए सवेरे उठा तब शमूएल को यह बताया गया कि शाऊल कर्मेल को आया था और अपने लिए एक निशानी खड़ी की और घूमकर गिलगाल को चला गया है। तब शमूएल शाऊल के पास गया और शाऊल ने उसे कहा, तुझे यहोवा की ओर से आशीष मिले, मैंने यहोवा की आज्ञा पूरी की है। शमूएल ने कहा, फिर भेड़ बकरियों का यह मिमियाना और गाय बैलों का यह बम्बाना जो मुझे सुनाई देता है यह क्यों हो रहा है? शाऊल ने कहा, वे तो अमालेकियों के यहां से आए हैं, अर्थात प्रजा के लोगों ने अच्छी से अच्छी भेड़ बकरियों और गाय बैलों को तेरे परमेश्वर यहोवा के लिए बलि करने को छोड़ दिया है और बाकी सबको हमने सत्यानाश कर दिया है।
तब शमूएल ने शाऊल से कहा, ठहर जा और जो बात यहोवा ने आज रात को मुझसे कही है वह मैं तुझको बताता हूँ। उसने कहा, कह दे। शमूएल ने कहा, जब तू अपनी दृष्टि में छोटा था तब क्या तू इसराइली गोत्रियों का प्रधान न हो गया? और क्या यहोवा ने इसराइल पर राज्य करने को तेरा अभिषेक नहीं किया? और यहोवा ने तुझे यात्रा करने की आज्ञा दी और कहा, जाकर उन पापी अमालेकियों को सत्यानाश कर और जब तक वे मिट न जाए तब तक उनसे लड़ता रह। फिर तूने किस लिए यहोवा की बात टालकर लूट पर टूट के वह काम किया जो यहोवा की दृष्टि में बुरा है? शाऊल ने शमूएल से कहा, निसंदेह मैंने यहोवा की बात मानकर जिधर यहोवा ने मुझे भेजा उधर चला और अमालेकियों के राजा को ले आया हूँ, अमालेकियों को सत्यानाश किया है, परंतु प्रजा के लोग लूट में से भेड़ बकरियों और गाय बैलों अर्थात सत्यानाश होने की उत्तम उत्तम वस्तुओं को गिलगाल में तेरे परमेश्वर यहोवा के लिए बलि चढ़ाने को ले आए हैं। शमूएल ने कहा, क्या यहोवा होम बलियों और मेल बलियों से उतना प्रसन्न होता है जितना कि अपनी बात के मान्य जाने से प्रसन्न होता है? सुन, मानना तो बलि चढ़ाने से और कान लगाना मेंढों की चर्बी से उत्तम है। देख, बलवा करना और भावी कहने वालों से पूछना एक ही समान पाप है और हट करना मूर्तों और गृह देवताओं की पूजा के तुल्य है। तूने जो यहोवा की बात को तुच्छ जाना, इसलिए उसने तुझे राजा होने के लिए तुच्छ जाना है। शाऊल ने शमूएल से कहा, मैंने पाप किया है, मैं तो अपनी प्रजा के लोगों का भय मानकर और उनकी बात सुनकर यहोवा की आज्ञा और तेरी बातों का उल्लंघन किया है, परंतु अब मेरे पाप को क्षमा कर और मेरे साथ लौटा कि मैं यहोवा को दंडवत करूं। शमूएल ने शाऊल से कहा, मैं तेरे साथ न लौटूंगा क्योंकि तूने यहोवा की बात को तुच्छ जाना है और यहोवा ने तुझे इसराइल के राजा होने के लिए तुच्छ जाना है। तब शमूएल जाने के लिए घूमा और शाऊल ने उसके बागे की छोर को पकड़ा और वह फट गया। तब शमूएल ने उससे कहा, आज यहोवा ने इसराइल के राज्य को फाड़कर तुझसे छीन लिया और तेरे एक पड़ोसी को जो तुझसे अच्छा है दे दिया है, और जो इसराइल का बलमूल है वह न तो झूठ बोलता और न पछताता है क्योंकि वह मनुष्य नहीं कि पछताए। उसने कहा, मैंने तो पाप किया है तो भी मेरी प्रजा के पुरनियों और इसराइल के सामने मेरा आदर कर और मेरे साथ लौट कि मैं तेरे परमेश्वर यहोवा को दंडवत करूं। तब शमूएल लौटकर शाऊल के पीछे गया और शाऊल ने यहोवा को दंडवत की। तब शाऊल ने कहा, अमालेकियों के राजा अगाग को मेरे पास ले आओ। तब अगाग आनंद के साथ यह कहता हुआ उसके पास गया कि निश्चय मृत्यु का दुख जाता रहा। शमूएल ने कहा, जैसे स्त्रियां तेरी तलवार से निर्वंश हुई है वैसे ही तेरी माता स्त्रियों में निर्वंश होगी। तब शमूएल ने अगाग को गिलगाल में यहोवा के सामने टुकड़े टुकड़े किया। तब शमूएल रामा को चला गया और शाऊल अपने नगर गिबा को अपने घर गया, और शमूएल ने अपने जीवन भर शाऊल से फिर भेंट न की क्योंकि शमूएल शाऊल के लिए विलाप करता था और यहोवा शाऊल को इसराइल का राजा बनाकर पछताता था। शमूएल भविष्यवक्ता की पहली पुस्तक अध्याय 16। शमूएल भविष्यवक्ता की पहली पुस्तक अध्याय 16। और यहोवा ने शमूएल से कहा, मैंने शाऊल को इसराइल पर राज्य करने के लिए तुच्छ जाना है, तू कब तक उसके लिए विलाप करता रहेगा? अपने सिंग में तेल भर के चल, मैं तुझको बैतलहेमी ईशय के पास भेजता हूँ क्योंकि मैंने उसके पुत्रों में से एक को राजा होने के लिए चुना है। शमूएल बोला, मैं क्यों कर जा सकता हूँ? यदि शाऊल सुन लेगा तो मुझे घात करेगा। यहोवा ने कहा, एक बछिया साथ ले जाकर कहना कि मैं यहोवा के लिए यज्ञ करने को आया हूँ और यज्ञ पर ईशय को न्योता देना, तब मैं तुझे जता दूंगा
कि तुझको क्या करना है और जिसको मैं तुझे बताऊंगा उसी का मेरी ओर से अभिषेक करना। तब शमूएल ने यहोवा के कहने के अनुसार किया और बैतलहम को गया। उस नगर के पुरनिये थरथराते हुए उससे मिलने को गए और कहने लगे, क्या तू मित्र भाव से आया है कि नहीं? उसने कहा, हाँ मित्र भाव से आया हूँ, मैं यहोवा के लिए यज्ञ करने को आया हूँ, तुम अपने अपने को पवित्र करके मेरे साथ यज्ञ में आओ। तब उसने ईशय और उसके पुत्रों को पवित्र करके यज्ञ में आने का न्योता दिया। जब वे आए तब उसने एलीआब पर दृष्टि करके सोचा कि निश्चय जो यहोवा के सामने है वही उसका अभिषिक्त होगा। परंतु यहोवा ने शमूएल से कहा, न तो उसके रूप पर दृष्टि कर और न उसके दिल की ऊंचाई पर, क्योंकि मैंने उसे अयोग्य जाना है, क्योंकि यहोवा का देखना मनुष्य का सा नहीं है। मनुष्य तो बाहर का रूप देखता है, परंतु यहोवा की दृष्टि मन पर रहती है। तब ईशे ने अबिनादाब को बुलाकर शमूएल के सामने भेजा और उसने कहा, यहोवा ने इसको भी नहीं चुना। फिर ईशे ने शम्मा को सामने भेजा और उसने कहा, यहोवा ने इसको भी नहीं चुना, क्योंकि ईशे ने अपने सात पुत्रों को शमूएल के सामने भेजा था। और शमूएल ईशे से कहता गया, यहोवा ने इन्हें नहीं चुना। तब शमूएल ने ईशे से कहा, क्या सब लड़के आ गए? वह बोला, नहीं, लहुरा तो रह गया और वह भेड़ बकरियों को चरा रहा है। शमूएल ने ईशे से कहा, उसे बुलवा भेज, क्योंकि जब तक वह यहाँ न आए तब तक हम खाने को न बैठेंगे। तब वह उसे बुलाकर भीतर ले आया। उसके तो लाली झलकती थी और उसकी आंखें सुंदर, उसका रूप सुडौल था। तब यहोवा ने कहा, उठकर इसका अभिषेक कर, यही है। तब शमूएल ने अपना तेल का सिंग लेकर उसके भाइयों के मध्य में उसका अभिषेक किया और उस दिन से लेकर भविष्य को यहोवा का आत्मा दाऊद पर बल से उतरता रहा। तब शमूएल उठकर रामा को चला गया और यहोवा का आत्मा शाऊल पर से उठ गया और यहोवा की ओर से एक दुष्ट आत्मा उसे घबराने लगा। और शाऊल के कर्मचारियों ने उससे कहा, सुन, परमेश्वर की ओर से एक दुष्ट आत्मा तुझे घबराता है। हमारा प्रभु अपने कर्मचारियों को जो उपस्थित है आज्ञा दे कि वे किसी अच्छे वीणा बजाने वालों को ढूंढ के ले आए, और जब जब परमेश्वर की ओर से दुष्ट आत्मा तुझ पर चढ़े तब तब वह अपने हाथ से बजाए और तू अच्छा हो जाए। शाऊल ने अपने कर्मचारियों से कहा, अच्छा, एक उत्तम बजवैया देखो और उसे मेरे पास लाओ। तब एक जवान ने उत्तर देके कहा, सुन, मैंने बैतलहेमी ईशय के एक पुत्र को देखा जो वीणा बजाना जानता है और वह वीर योद्धा भी है और बात करने में बुद्धिमान और रूपवान भी है, और यहोवा उसके साथ है। तब शाऊल ने दूतों के हाथ ईशय के पास कहला भेजा कि अपने पुत्र दाऊद को, जो भेड़ बकरियों के साथ रहता है, मेरे पास भेज दे। तब ईशे ने रोटी से लदा हुआ एक गधा और कुप्पा भर दाख मधु और बकरी का एक बच्चा लेकर अपने पुत्र दाऊद के हाथ से शाऊल के पास भेज दिया, और दाऊद शाऊल के पास जाकर उसके सामने उपस्थित रहने लगा और शाऊल उससे बहुत प्रीति करने लगा और वह उसका हथियार ढोने वाला हो गया। तब शाऊल ने ईशे के पास कहला भेजा कि दाऊद को मेरे सामने उपस्थित रहने दे, क्योंकि मैं उससे बहुत प्रसन्न हूं, और जब जब परमेश्वर की ओर से वह आत्मा शाऊल पर चढ़ता था तब तब दाऊद वीणा लेकर बजाता और शाऊल चैन पाकर अच्छा हो जाता था और वह दुष्ट आत्मा उसमें से हट जाता था। शमूएल भविष्यवक्ता की पहली पुस्तक अध्याय 17। शमूएल भविष्यवक्ता की पहली पुस्तक अध्याय 17। अब फिलिस्तियों ने युद्ध के लिए अपनी सेनाओं को इकट्ठा किया और यहूदा देश के सोको में एक साथ होकर सोको और अजेका के बीच
एपे सदमीप में डेरा डाले और शाऊल और इस्राएली पुरुषों ने भी इकट्ठे होकर एला नाम तराई में डेरे डाले और युद्ध के लिए पलिश्तियों के विरुद्ध पांति बांधी। पलिश्ती तो एक ओर के पहाड़ पर और इस्राएली दूसरी ओर के पहाड़ पर खड़े थे और दोनों के बीच तराई थी। तब पलिश्तियों की छावनी में से एक वीर गोलियत नाम निकला जो गत नगर का था और उसके डील की लंबाई 6 हाथ 1 वित्ता थी। उसके सिर पर पीतल का टोप था और वह एक पत्थर का झिलम पहने हुए था जिसका तौल 5000 शेकेल पीतल का था। उसकी टांगों पर पीतल के कवच थे और उसके कंधों के बीच बर्ची बंधी थी। उसके भाले की छड़ जुलाहे के डोंगी के समान थी और उस भाले का फल 600 शेकेल लोहे का था और बड़ी ढाल लिए हुए एक जन उसके आगे आगे चलता था। वह खड़ा होकर इस्राएली पांतियों को ललकार के बोला, तुमने यहां आकर लड़ाई के लिए क्यों पांति बांधी है? क्या मैं पलिश्ती नहीं हूं और तुम शाऊल के अधीन नहीं हो? अपने में से एक पुरुष को चुनो कि वह मेरे पास उतर आए। यदि वह मुझसे लड़कर मुझे मार सके तब तो हम तुम्हारे अधीन हो जाएंगे, परंतु यदि मैं उस पर प्रबल होकर मारूं तो तुमको हमारे अधीन होकर हमारी सेवा करनी पड़ेगी। फिर वह पलिश्ती बोला, मैं आज के दिन इस्राएली पांतियों को ललकारता हूं, किसी पुरुष को मेरे पास भेजो कि हम एक दूसरे से लड़े। उस पलिश्ती की इन बातों को सुनकर शाऊल और समस्त इस्राएलियों का मन कच्चा हो गया और वे अत्यंत डर गए। दाऊद तो यहूदा के बैतलहम के उस इप्राती पुरुष का पुत्र था जिसका नाम ईशय था और उसके 8 पुत्र थे और वह पुरुष शाऊल के दिनों में बूढ़ा और निर्बल हो गया था। ईशय के 3 बड़े पुत्र शाऊल के पीछे होकर लड़ने को गए थे और उसके 3 पुत्रों के नाम जो लड़ने को गए थे ये थे, अर्थात ज्येष्ठ का नाम अलियाब, दूसरे का अबिनादाब और तीसरे का शम्मा था और सबसे छोटा दाऊद था और 3 बड़े पुत्र दाऊद के पीछे होकर गए थे और दाऊद बैतलहम में अपने पिता की भेड़ बकरियां चराने को शाऊल के पास से आया जाया करता था। वह पलिश्ती तो 40 दिन तक सवेरे और सांझ को निकट जाकर खड़ा हुआ करता था और ईशय ने अपने पुत्र दाऊद से कहा, यह एपा भर चबैना और ये 10 रोटियां लेकर छावनी में अपने भाइयों के पास दौड़ जा और पनीर के ये 10 टिकिया उनके सहस्त्रपति के लिए ले जा और अपने भाइयों का कुशल देखकर उनकी कोई चिन्हानी ले आ। शाऊल और वे भाई और समस्त इस्राएली पुरुष एला नाम तराई में पलिश्तियों से लड़ रहे थे और दाऊद सुबह को सवेरे उठ भेड़ बकरियों को किसी रखवाले के हाथ में छोड़कर उन वस्तुओं को ले लेकर चला गया और जब सेना रणभूमि को जा रही थी और संग्राम के लिए ललकार रही थी उसी समय वह गाड़ियों के पड़ाव पर पहुंचा। तब इसराइलियों और पलिश्तियों ने अपनी अपनी सेना आमने सामने करके पांति बांधी और दाऊद अपनी सामग्री सामान के रखने वाले के हाथ में छोड़कर रणभूमि को दौड़ा और अपने भाइयों के पास जाकर उनका कुशल क्षेम पूछा। वह उनके साथ बातें कर ही रहा था कि पलिश्तियों की पांतियों में से वह वीर अर्थात गतवासी गोलियात नाम वह पलिश्ती योद्धा चढ़ाया और पहले की सी बातें कहने लगा और दाऊद ने उन्हें सुना। उस पुरुष को देखकर सब इस्राएली अत्यंत भय खाकर उसके सामने से भागे। फिर इस्राएली पुरुष कहने लगे, क्या तुमने उस पुरुष को देखा है जो चढ़ा आ रहा है? निश्चय वह इस्राएलियों को ललकारने को चढ़ा आता है और जो कोई उसे मार डालेगा उसको राजा बहुत धन देगा और अपनी बेटी ब्याह देगा और उसके पिता के घराने को इस्राएल में स्वतंत्र कर देगा। तब दाऊद ने उन पुरुषों से जो उसके आसपास खड़े थे पूछा,
कि जो उस फिलिश्ती को मार के इसराइलों की नामधराई दूर करेगा उसके लिए क्या किया जाएगा। वह खतना रहित फिलिश्ती तो क्या है कि जीवित परमेश्वर की सेना को ललकारे। तब लोगों ने उससे वही बातें कही, अर्थात यह कि जो कोई उसे मारेगा उससे ऐसा ऐसा किया जाएगा। जब दाऊद उन मनुष्यों से बातें कर रहा था तब उसका बड़ा भाई अलियाब सुन रहा था, और अलियाब दाऊद से बहुत क्रोधित होकर कहने लगा, तू यहाँ क्यों आया है और जंगल में उन थोड़ी सी भेड़ बकरियों को तूने किसके पास छोड़ाया है? तेरा अभिमान और तेरे मन की बुराई मुझे मालूम है, तू तो लड़ाई देखने के लिए यहाँ आया है। दाऊद ने कहा, मैंने अब क्या किया है, वह तो निरी बात थी। तब उसने उसके पास से मुंह फेर के दूसरे के सन्मुख होकर वैसी ही बातें कही, और लोगों ने उसे पहली की नाई उत्तर दिया। जब दाऊद की बातों की चर्चा हुई तब शाऊल को भी सुनाई गई और उसने उसे बुलवा भेजा। तब दाऊद ने शाऊल से कहा, किसी मनुष्य का मन उसके कारण कच्चा न हो, तेरा दास जाकर उस फिलिश्ती से लड़ेगा। शाऊल ने दाऊद से कहा, तू जाकर उस फिलिश्ती के विरुद्ध नहीं युद्ध कर सकता, क्योंकि तू तो लड़का ही है और वह लड़कपन ही से योद्धा है। दाऊद ने शाऊल से कहा, तेरा दास अपने पिता की भेड़ बकरियां चराता था, और जब कोई सिंह व भालू झुंड में से मेमना उठा ले गया तब मैंने उसका पीछा करके उसे मारा और मेमने को उसके मुंह से छुड़ाया, और जब उसने मुझ पर चढ़ाई की तब मैंने उसके केश को पकड़कर उसे मार डाला। तेरे दास ने सिंह और भालू दोनों को मार डाला, और वह खतना रहित फिलिश्ती उनके समान हो जाएगा, क्योंकि उसने जीवित परमेश्वर की सेना को ललकारा है। फिर दाऊद ने कहा, यहोवा जिसने मुझे सिंह और भालू दोनों के पंजे से बचाया है वह मुझे उस फिलिश्ती के हाथ से भी बचाएगा। शाऊल ने दाऊद से कहा, जा, यहोवा तेरे साथ रहे। तब शाऊल ने अपने वस्त्र दाऊद को पहनाए और पीतल का टोप उसके सिर पर रख दिया और झिलम उसको पहनाया, और दाऊद से उसकी तलवार वस्त्र के ऊपर कसी और चलने का यत्न किया। उसने तो उनको न परखा था, इसलिए दाऊद ने शाऊल से कहा, इन्हें पहने हुए मुझसे चला नहीं जाता, क्योंकि मैंने नहीं परखा, और दाऊद ने उन्हें उतार दिया। तब उसने अपनी लाठी हाथ में ले नाले में से 5 चिकने पत्थर छांटकर अपनी चरवाही की थैली अर्थात अपने झोले में रखे और अपना गोफन हाथ में लेकर फिलिश्ती के निकट चला, और फिलिश्ती चलते चलते दाऊद के निकट पहुंचने लगा, और जो जन उसकी बड़ी ढाल लिए था वह उसके आगे आगे चला। जब फिलिश्ती ने दृष्टि करके दाऊद को देखा वह उसे तुच्छ जाना, क्योंकि वह लड़का ही था और उसके मुख पर लाली झलकती थी और वह सुंदर था। तब फिलिश्ती ने दाऊद से कहा, क्या मैं कुत्ता हूं कि तू लाठी लेकर मेरे पास आता है? तब फिलिश्ती अपने देवताओं के नाम लेकर दाऊद को कोसने लगा। फिर फिलिश्ती ने दाऊद से कहा, मेरे पास आ, मैं तेरा मांस आकाश के पक्षियों और वन पशुओं को दे दूंगा। दाऊद ने फिलिश्ती से कहा, तू तो तलवार और भाला और सांग लिए हुए मेरे पास आता है, परंतु मैं सेनाओं के यहोवा के नाम से तेरे पास आता हूँ, जो इसराइली सेना का परमेश्वर है, उसी को तूने ललकारा है। आज के दिन यहोवा तुझको मेरे हाथ में कर देगा, और मैं तुझको मारूंगा और तेरा सिर तेरे धड़ से अलग करूंगा, और मैं आज के दिन फिलिश्ती सेना की लोथे आकाश के पक्षियों और पृथ्वी के जीव जंतुओं को दे दूंगा। तब समस्त पृथ्वी के लोग जान लेंगे कि इसराइल में एक परमेश्वर है, और यह समस्त मंडली जान लेंगी कि यहोवा तलवार व भाले के द्वारा जयवंत नहीं करता, इसलिए कि संग्राम तो यहोवा का है और वही तुम्हें हमारे हाथ में कर देगा। जब फिलिश्ती उठकर
दाऊद का सामना करने के लिए निकट आया, तब दाऊद सेना की ओर पलिश्ती का सामना करने के लिए फुर्ती से दौड़ा। फिर दाऊद ने अपनी थैली में हाथ डालकर उसमें से एक पत्थर निकाला और उसे गोफन में रखकर पलिश्ती के माथे पर ऐसा मार दिया कि उसके माथे के भीतर घुस गया और वह भूमि पर मुंह के बल गिर पड़ा। यो दाऊद ने फलिश्ती पर गोफन और एक ही पत्थर के द्वारा प्रबल होकर उसे मार डाला, परंतु दाऊद के हाथ में तलवार न थी। तब दाऊद दौड़कर पलिश्ती के ऊपर खड़ा हुआ और उसकी तलवार पकड़कर मियान से खींची और उसको घात किया और उसका सिर उसी तलवार से काट डाला। यह देखकर कि हमारा वीर मर गया, पलिश्ती भाग गए। इस पर इसराइली और यहूदी पुरुष ललकार उठे और गत और एक्रोन से फाटकों तक पलिश्तियों का पीछा करते गए और घायल पलिश्ती शारेम के मार्ग में और गत और एक्रोन तक गिरते गए। तब इसराइली पलिश्तियों का पीछा छोड़कर लौट आए और उनके डेरों को लूट लिया और दाऊद पलिश्ती का सिर यरूशलेम में ले गया और उसके हथियार अपने डेरे में धर लिया। जब शाऊल ने दाऊद को उस पलिश्ती का सामना करने के लिए जाते देखा, तब उसने अपनी सेनापति अब्नेर से पूछा, हे अब्नेर, वह जवान किसका पुत्र है? अब्नेर ने कहा, हे राजा, तेरे जीवन की शपथ, मैं नहीं जानता। राजा ने कहा, तू पूछ ले कि वह जवान किसका पुत्र है। जब दाऊद पलिश्ती को मारकर लौटा, तब अब्नेर ने उसे पलिश्ती का सिर हाथ में लिया हुए शाऊल के सामने पहुंचाया। शाऊल ने उसे पूछा, हे जवान, तू किसका पुत्र है? दाऊद ने कहा, मैं तो तेरे दास बेतलहेमी ईशे का पुत्र हूं। शमूएल भविष्यवक्ता की पहली पुस्तक अध्याय 18। शमूएल भविष्यवक्ता की पहली पुस्तक अध्याय 18। जब वह शाऊल से बातें कर चुका, तब योनातान का मन दाऊद पर ऐसा लग गया कि योनातान उसे अपने प्राण के बराबर प्यार करने लगा और उस दिन से शाऊल ने उसे अपने पास रखा और पिता के घर को फिर लौटने न दिया। तब योनातान ने दाऊद से वाचा बांधी क्योंकि वह उसको अपने प्राण से बराबर प्यार करता था और योनातान ने अपना बागा जो वह स्वयं पहने था उतारकर अपने वस्त्र समेत दाऊद को दे दिया, वरन अपनी तलवार और धनुष और कटिबंध भी उसको दे दिया और जहां कहीं शाऊल दाऊद को भेजता था वहां वह जाकर बुद्धिमानी के साथ काम करता था और शाऊल ने उसे योद्धाओं का प्रधान नियुक्त किया और समस्त प्रजा के लोग और शाऊल के कर्मचारी उससे प्रसन्न थे। जब दाऊद उस पलिश्ती को मारकर लौट आता था और वे सब लोग भी आ रहे थे, तब सब इसराइली नगरों से स्त्रियों ने निकलकर डफ और तिकोने बाजी लिए हुए आनंद के साथ गाती और नाचती हुई शाऊल राजा के स्वागत में निकली और वे स्त्रियां नाचती हुई एक दूसरे के साथ यह गाती गई कि शाऊल ने तो हजारों को परंतु दाऊद ने लाखों को मारा है। तब शाऊल अति क्रोधित हुआ और वह बात उसको बुरी लगी और वह कहने लगा, उन्होंने दाऊद के लिए तो लाखों और मेरे लिए हजारों ही ठहराया, इसलिए अब राज्य को छोड़ उसको अब क्या मिलना बाकी है। तब उस दिन से भविष्य में शाऊल दाऊद की ताक में लगा रहा। दूसरे दिन परमेश्वर की ओर से एक दुष्ट आत्मा शाऊल पर बल से उतरा और वह अपने घर के भीतर नबूवत करने लगा। दाऊद प्रतिदिन की नाई अपने हाथ से बजा रहा था और शाऊल अपने हाथ में अपना भाला लिए हुए था। तब शाऊल ने यह सोचकर कि मैं ऐसा मारूंगा कि भाला दाऊद को बेधकर भीत में धस जाए, भाले को चलाया, परंतु दाऊद उसके सामने से दो बार हट गया और शाऊल दाऊद से डरा करता था क्योंकि यहोवा दाऊद के साथ था और शाऊल के पास से अलग हो गया था। शाऊल ने उसको अपने पास से अलग करके सहस्त्रपति किया और वह प्रजा के सामने आया जाया करता था और दाऊद अपनी समस्त चाल में बुद्धिमानी दिखाता था और
यहोवा उसके साथ साथ था। और जब शाऊल ने देखा कि वह बहुत बुद्धिमान है, तब वह उससे डर गया। परंतु इस्राएल और यहूदा के समस्त लोग दाऊद से प्रेम रखते थे, क्योंकि वह उनके देखते आया जाया करता था। और शाऊल ने यह सोचकर कि मेरा हाथ नहीं वरन पलिश्तियों ही का हाथ दाऊद पर पड़े, उसने कहा, सुन, मैं अपनी बड़ी बेटी मेरब को तुझे ब्याह दूंगा। इतना कर कि तू मेरे लिए वीरता के साथ यहोवा की ओर से युद्ध कर। दाऊद ने शाऊल से कहा, मैं क्या हूं और मेरा जीवन क्या है, और इस्राएल में मेरे पिता का कुल क्या है कि मैं राजा का दामाद हो जाऊं। जब समय आ गया कि शाऊल की बेटी मेरब दाऊद से ब्याही जाए, तब वह महोलाई अद्रियल से ब्याही गई, और शाऊल की बेटी मीकल दाऊद से प्रीति रखने लगी। और जब इस बात का समाचार शाऊल को मिला, तब वह प्रसन्न हुआ। शाऊल तो सोचता था कि वह उसके लिए फंदा हो और पलिश्तियों का हाथ उस पर पड़े। और शाऊल ने दाऊद से कहा, अब की बार तो तू अवश्य ही मेरा दामाद हो जाएगा। फिर शाऊल ने अपने कर्मचारियों को आज्ञा दी कि दाऊद से छिपकर ऐसी बातें करो कि सुन, राजा तुझसे प्रसन्न है और उसके सब कर्मचारी भी तुझसे प्रेम रखते हैं, इसलिए अब तू राजा का दामाद हो। तब शाऊल के कर्मचारियों ने दाऊद से ऐसी ही बातें कही, परंतु दाऊद ने कहा, मैं तो निर्धन और तुच्छ मनुष्य हूं, फिर क्या तुम्हारी दृष्टि में राजा का दामाद होना छोटी बात है? जब शाऊल के कर्मचारियों ने उसे बताया कि दाऊद ने ऐसी ऐसी बातें कही, तब शाऊल ने कहा, तुम दाऊद से यो कहो कि राजा कन्या का मोल तो कुछ नहीं चाहता, केवल पलिश्तियों की 100 खलड़िया चाहता है, वह अपने शत्रुओं से पलटा ले। शाऊल की मंशा यह थी कि पलिश्तियों से दाऊद को मरवा डाले। जब उसके कर्मचारियों ने दाऊद को ये बातें बताई, तब वह राजा का दामाद होने को प्रसन्न हुआ। जब ब्याह के दिन कुछ रह गए, तब दाऊद अपने जनों को संग लेकर चला और पलिश्तियों के 200 पुरुषों को मारा। तब दाऊद उनकी खलड़ियों को ले आया और वे राजा को गिन गिन कर दी गई, इसलिए कि वह राजा का दामाद हो जाए। और शाऊल ने अपनी बेटी मीकल को उसे ब्याह दिया। जब शाऊल ने देखा और निश्चय किया कि यहोवा दाऊद के साथ है और मेरी बेटी मीकल उससे प्रेम रखती है, तब शाऊल दाऊद से और भी डर गया और शाऊल सदा के लिए दाऊद का बैरी बन गया। फिर पलिश्तियों के प्रधान निकल आए, और जब जब वे निकल आए, तब तब दाऊद ने शाऊल के और सब कर्मचारियों से अधिक बुद्धिमानी दिखाई, इससे उसका नाम बहुत बड़ा हो गया। शमूएल भविष्यवक्ता की पहली पुस्तक अध्याय 19। शमूएल भविष्यवक्ता की पहली पुस्तक अध्याय 19। और शाऊल ने अपने पुत्र योनातन और अपने सब कर्मचारियों से दाऊद को मार डालने की चर्चा की, परंतु शाऊल का पुत्र योनातन दाऊद से बहुत प्रसन्न था। और योनातन ने दाऊद को बताया कि मेरा पिता तुझे मरवा डालना चाहता है, इसलिए तू बिहान को सावधान रहना और किसी गुप्त स्थान में बैठा हुआ छिपा रहना, और मैं मैदान में जहां तू होगा वहां जाकर अपने पिता के पास खड़ा होकर उससे तेरी चर्चा करूंगा, और यदि मुझे कुछ मालूम हो तो तुझे बताऊंगा। और योनातन ने अपने पिता शाऊल से दाऊद की प्रशंसा करके उससे कहा कि हे राजा, अपने दास दाऊद का अपराधी न हो, क्योंकि उसने तेरा कुछ अपराध नहीं किया, वरन उसके सब काम तेरे बहुत ही हित के हैं। उसने अपने प्राण पर खेलकर उस पलिश्ती को मार डाला, और यहोवा ने समस्त इसराइलियों की बड़ी जय कराई। इसे देखकर तू आनंदित हुआ था, और तू दाऊद को अकारण मारकर निर्दोष के खून का पापी क्यों बने? तब शाऊल ने योनातन की बात मानकर यह शपथ खाई कि यहोवा के जीवन की शपथ, दाऊद मार डाला न जाएगा। तब
योनातन ने दाऊद को बुलवाकर ये समस्त बातें उसको बताई। फिर योनातन दाऊद को शाऊल के पास ले गया और वह पहले की नाई उसके सामने रहने लगा। तब फिर लड़ाई होने लगी और दाऊद जाकर फिलिस्तियों से लड़ा और उन्हें बड़ी मार से मारा और वे उसके सामने से भाग गए। और जब शाऊल हाथ में भाला लिए हुए घर में बैठा था और दाऊद हाथ से बजा रहा था, तब यहोवा की ओर से एक दुष्ट आत्मा शाऊल पर चढ़ा और शाऊल ने चाहा कि दाऊद को ऐसा मारे कि भाला उसे बेचते हुए भीत में धस जाए, परंतु दाऊद शाऊल के सामने से ऐसा हट गया कि भाला जाकर भीत ही में धस गया और दाऊद भागा और उस रात को बच गया। और शाऊल ने दाऊद के घर पर दूत इसलिए भेजे कि वे उसकी घात में रहे और बिहान को उसे मार डाले। तब दाऊद की स्त्री मिकल ने उसे यह कहकर जताया कि यदि तू इस रात को अपना प्राण न बचाए तो बिहान को मारा जाएगा। तब मिकल ने दाऊद को खिड़की से उतार दिया और वह भागकर बच निकला। तब मिकल ने गृह देवताओं को ले चारपाई पर लिटाया और बकरियों के रोए की तकिया उसके सिरहाने पर रखकर उनको वस्त्र ओढ़ दिया। जब शाऊल ने दाऊद को पकड़ लाने के लिए दूत भेजे, तब वह बोली, वह तो बीमार है। तब शाऊल ने दूतों को दाऊद के देखने के लिए भेजा और कहा, उसे चारपाई समेत मेरे पास लाओ कि मैं उसे मार डालूं। तब जब दूत भीतर गए, तब क्या देखते हैं कि चारपाई पर गृह देवता पड़े हैं और सिरहाने पर बकरियों के रोए की तकिया है। सो शाऊल ने मिकल से कहा, तूने मुझे ऐसा धोखा क्यों दिया? तूने मेरे शत्रु को ऐसा क्यों जाने दिया कि वह बच निकला है? मिकल ने शाऊल से कहा, उसने मुझसे कहा कि मुझे जाने दे, मैं तुझे क्यों मार डालूं? और दाऊद भागकर बच निकला और रामा में शमूएल के पास पहुंचकर जो कुछ शाऊल ने उससे किया था सब उसे कह सुनाया। तब वह और शमूएल जाकर नबायोत में रहने लगे। जब शाऊल को इसका समाचार मिला कि दाऊद रामा में के नबायोत में है, तब शाऊल ने दाऊद के पकड़ लाने के लिए दूत भेजे। और जब शाऊल के दूतों ने नबियों के दल को नबूवत करते हुए और शमूएल को उनकी प्रधानता करते हुए देखा, तब परमेश्वर का आत्मा उन पर चढ़ा और वे भी नबूवत करने लगे। इसका समाचार पाकर शाऊल ने और दूत भेजे और वे भी नबूवत करने लगे। फिर शाऊल ने तीसरी बार दूत भेजे और वे भी नबूवत करने लगे। तब वह आप ही रामा को चला और उस बड़े गड्ढे पर जो सेकू में है पहुंचकर पूछने लगा कि शमूएल और दाऊद कहां है। किसी ने कहा, वे तो रामा के नबायोत में है। तब वह उधर रामा के नबायोत को चला और परमेश्वर का आत्मा उस पर भी चढ़ा और वह रामा के नबायोत को पहुंचने तक नबूवत करता हुआ चला गया। और उसने भी अपने वस्त्र उतारे और शमूएल के सामने नबूवत करने लगा और भूमि पर गिरकर दिन और रात नंगा पड़ा रहा। इस कारण से यह कहावत चली कि क्या शाऊल भी नबियों में से है। शमूएल भविष्यवक्ता की पहली पुस्तक अध्याय 20। शमूएल भविष्यवक्ता की पहली पुस्तक अध्याय 20। फिर दाऊद रामा के नबायोत से भागा और योनातन के पास जाकर कहने लगा, मैंने क्या किया है? मुझसे क्या पाप हुआ? मैंने तेरे पिता की दृष्टि में ऐसा कौन सा अपराध किया है कि वह मेरे प्राण की खोज में रहता है? उसने उससे कहा, ऐसी बात नहीं है, तू मारा न जाएगा। सुन, मेरा पिता तुझको बिना जताए न तो कोई बड़ा काम करता है और न कोई छोटा, फिर वह ऐसी बात क्यों मुझसे छिपाएगा? ऐसी कोई बात नहीं है। फिर दाऊद ने शपथ खाकर कहा, तेरा पिता निश्चय जानता है कि तेरे अनुग्रह की दृष्टि मुझ पर है और वह सोचता होगा कि योनातन इस बात को जानने न पाए, ऐसा न हो कि वह खेदित हो जाए। परंतु यहोवा के जीवन की शपथ और तेरे ही जीवन की शपथ, निसंदेह मेरे और मृत्यु के बीच डगी भर का अंतर है। योनातन ने दाऊद से कहा,
जो कुछ तेरा जी चाहे वही मैं तेरे लिए करूंगा। दाऊद ने योनातन से कहा, सुन, कल नया चांद होगा और मुझे उचित है कि राजा के साथ बैठकर भोजन करूं, परंतु तू मुझे विदा कर और मैं परसों सांझ तक मैदान में छिपा रहूंगा। यदि तेरा पिता मेरी कुछ चिंता करे तो कहना कि दाऊद ने अपने नगर बैतलहम को शीघ्र जाने के लिए मुझसे विनती करके छुट्टी मांगी है, क्योंकि वहां उसके समस्त कुल के लिए वार्षिक यज्ञ है। यदि वह यो कहे कि अच्छा, तब तो तेरे दास के लिए कुशल होगा, परंतु यदि उसका क्रोध बहुत भड़क उठे तो जान लेना कि उसने बुराई ठानी है, और तू अपने दास से कृपा का व्यवहार करना, क्योंकि तूने यहोवा की शपथ खिलाकर अपने दास को अपने साथ वाचा बंधाई है। परंतु यदि मुझसे कुछ अपराध हुआ हो तो तू आप मुझे मार डाल, तू मुझे अपने पिता के पास क्यों पहुंचाए? योनातन ने कहा, ऐसी बात कभी न होगी। यदि मैं निश्चय जानता कि मेरे पिता ने तुझसे बुराई करनी ठानी है तो क्या मैं तुझको न बताता? दाऊद ने योनातन से कहा, यदि तेरा पिता तुझको कठोर उत्तर दे तो कौन मुझे बताएगा? योनातन ने दाऊद से कहा, चल हम मैदान को निकल जाए, और वे दोनों मैदान की ओर चले गए। तब योनातन दाऊद से कहने लगा, इस्राएल के परमेश्वर यहोवा की शपथ, जब मैं कल व परसों इसी समय अपने पिता का भेद पाऊं, तब यदि दाऊद की भलाई देखूं, तो क्या मैं उसी समय तेरे पास दूध भेजकर तुझे न बताऊंगा? यदि मेरे पिता का मन तेरी बुराई करने का हो और मैं तुझ पर यह प्रकट करने तुझे विदा न करूं कि तू कुशल के साथ चला जाए, तो यहोवा योनातन से ऐसा ही परन इससे भी अधिक करे, और यहोवा तेरे साथ वैसा ही रहे जैसा वह मेरे पिता के साथ रहा, और न केवल जब तक मैं जीवित रहूं तब तक मुझ पर यहोवा किसी कृपा ऐसा करना कि मैं न मरूं, परंतु मेरे घराने पर से भी अपनी कृपा दृष्टि कभी न हटाना। वरन जब यहोवा दाऊद के हरेक शत्रु को पृथ्वी पर से नाश कर चुकेगा तब भी ऐसा न करना। इस प्रकार योनातन ने दाऊद के घराने से यह कहकर वाचा बंधाई कि यहोवा दाऊद के शत्रुओं से पलटा ले, और योनातन दाऊद से प्रेम रखता था और उसने उसको फिर शपथ खिलाई, क्योंकि वह उससे अपने प्राण के बराबर प्रेम रखता था। तब योनातन ने उससे कहा, कल नया चांद होगा और तेरी चिंता की जाएगी, क्योंकि तेरी कुर्सी खाली रहेगी, और तू तीन दिन के बीतने पर तुरंत आना और उस स्थान पर जाकर जहां तू उस काम के दिन छिपा था, अर्थात एजेल नाम पत्थर के पास रहना। जब मैं अपनी अलंग मानो अपने किसी ठहराए हुए चिन्ह पर तीन तीर चलाऊंगा, फिर मैं अपने टहलुए छोकरे को यह कहकर भेजूंगा कि जाकर तीरों को ढूंढ लिया। यदि मैं उस छोकरे से साफ साफ कहूं कि देख, तीर इधर तेरी इस अलंग पर है, तो तू उसे ले आ, क्योंकि यहोवा की जीवन की शपथ, तेरे लिए कुशल को छोड़ और कुछ न होगा। परंतु यदि मैं छोकरे से यो कहूं कि सुन, तीर उधर तेरे उस अलंग पर है, तो तू चला जाना, क्योंकि यहोवा ने तुझे विदा किया है, और उस बात के विषय जिसकी चर्चा मैंने और तूने आपस में की है, यहोवा मेरे और तेरे मध्य में सदा रहे। इसलिए दाऊद मैदान में जा छिपा, और जब नया चांद हुआ तब राजा भोजन करने को बैठा। राजा तो पहले की नाई अपने उस आसन पर बैठा जो भीत के पास था, और योनातन खड़ा हुआ और अब्नेर शाऊल के निकट बैठा, परंतु दाऊद का स्थान खाली रहा। उस दिन तो शाऊल यह सोचकर चुप रहा कि इसका कोई न कोई कारण होगा, वह अशुद्ध होगा कि निसंदेह शुद्ध न होगा। फिर नए चांद के दूसरे दिन को दाऊद का स्थान खाली रहा, और शाऊल ने अपने पुत्र योनातन से पूछा, क्या कारण है कि ईशे का पुत्र न तो कल भोजन पर आया था और न आज ही आया है? योनातन ने शाऊल से कहा, दाऊद ने बैतलहम जाने के लिए मुझसे विनती करके छुट्टी मांगी और कहा, मुझे जाने दे, क्योंकि उस नगर में हमारे कुल का यज्ञ है, और मेरे भाई ने मुझको
वहां उपस्थित होने की आज्ञा दी है, और अब यदि मुझ पर तेरे अनुग्रह की दृष्टि हो तो मुझे जाने दे कि मैं अपने भाइयों से भेंट कराओ। इसी कारण वह राजा की मेज पर नहीं आया। तब शाऊल का कोप योनातन पर भड़क उठा और उसने उससे कहा, हे कुटिला राजद्रोही के पुत्र, क्या मैं नहीं जानता कि तेरा मन तो ईशय के पुत्र पर लगा है? इसी से तेरी आशा का टूटना और तेरी माता का अनादर ही होगा, क्योंकि जब तक ईशय का पुत्र भूमि पर जीवित रहेगा तब तक न तो तू और न तेरा राज्य स्थिर रहेगा। इसलिए अभी जाकर उसे मेरे पास ला, क्योंकि निश्चय वह मार डाला जाएगा। योनातन ने अपने पिता शाऊल को उत्तर देकर उससे कहा, वह क्यों मारा जाए? उसने क्या किया है? तब शाऊल ने उसको मारने के लिए उस पर भाला चलाया। इससे योनातन ने जान लिया कि मेरे पिता ने दाऊद को मार डालना ठाना है। तब योनातन क्रोध से जलता हुआ मेज पर से उठ गया और महीने के दूसरे दिन को भोजन न किया, क्योंकि वह बहुत खेदित था, इसलिए कि उसके पिता ने दाऊद का अनादर किया था। बिहान को योनातन एक छोटा लड़का संग लिए हुए मैदान में दाऊद के साथ ठहराए हुए स्थान को गया। तब उसने अपने छोकरे से कहा, दौड़कर जो जो तीर मैं चलाऊंगा उन्हें ढूंढ लिया। छोकरा दौड़ता ही था कि उसने एक तीर उसके परे चलाया। जब छोकरा योनातन के चलाए तीर के स्थान पर पहुंचा तब योनातन ने उसके पीछे से पुकार के कहा, तीर तो तेरी परली ओर है। फिर योनातन ने छोकरे के पीछे से पुकार के कहा, बड़ी फुर्ती कर, ठहर मत। और योनातन का छोकरा तीरों को बटोर के अपने स्वामी के पास ले आया। इसका भेद छोकरा तो कुछ न जानता था, केवल योनातन और दाऊद उस बात को जानते थे। और योनातन ने अपने हथियार अपने छोकरे को देकर कहा, जा इन्हें नगर को पहुंचा। जो ही छोकरा चला गया त्यो ही दाऊद दक्षिण दिशा की अलंग से निकला और भूमि पर औंधे मुंह गिर के तीन बार दंडवत की। तब उन्होंने एक दूसरे को चूमा और एक दूसरे के साथ रोए, परंतु दाऊद का रोना अधिक था। तब योनातन ने दाऊद से कहा, कुशल से चला जा, क्योंकि हम दोनों ने एक दूसरे से यह कहके यहोवा के नाम की शपथ खाई है कि यहोवा मेरे और तेरे मध्य और मेरे और तेरे वंश के मध्य में सदा रहे। तब वह उठकर चला गया और योनातन नगर में गया। शमूएल भविष्यवक्ता की पहली पुस्तक अध्याय 21। शमूएल भविष्यवक्ता की पहली पुस्तक अध्याय 21। और दाऊद नोब को अहिमलेक याजक के पास आया और अहिमलेक दाऊद से भेंट करने को थरथराता हुआ निकला और उससे पूछा, क्या कारण है कि तू अकेला है और तेरे साथ कोई नहीं? दाऊद ने अहिमलेक याजक से कहा, राजा ने मुझे एक काम करने के लिए आज्ञा देकर मुझसे कहा, जिस काम को मैं तुझे भेजता हूं और जो आज्ञा मैं तुझे देता हूं वह किसी पर प्रकट न होने पाए, और मैंने जवानों को फलाने स्थान पर जाने को समझाया है। अब तेरे हाथ में क्या है? 5 रोटी वो जो कुछ मिले उसे मेरे हाथ में दे। याजक ने दाऊद से कहा, मेरे पास साधारण रोटी तो कुछ नहीं, केवल पवित्र रोटी है, इतना हो कि वे जवान स्त्रियों से अलग रहे हों। दाऊद ने याजक को उत्तर देकर उससे कहा, सच है कि हम 3 दिन से स्त्रियों से अलग हैं। फिर जब मैं निकल आया तब तो जवानों के बर्तन पवित्र थे, यद्यपि यात्रा साधारण है तो आज उनके बर्तन अवश्य ही पवित्र होंगे। तब याजक ने उसको पवित्र रोटी दी, क्योंकि दूसरी रोटी वहां न थी, केवल भेंट की रोटी थी जो यहोवा के सन्मुख से उठाई गई थी कि उसके उठा लेने के दिन गर्म रोटी रखी जाए। उसी दिन वहां दोएग नाम शाऊल का एक कर्मचारी यहोवा के आगे रुका हुआ था। वह एदोमी और शाऊल के चरवाहों का मुखिया था। फिर दाऊद ने अहिमलेक से पूछा, क्या यहां तेरे पास कोई भाला व तलवार नहीं है?
क्योंकि मुझे राजा के काम की ऐसी जल्दी थी कि मैं न तो अपनी तलवार साथ लाया हूं और न अपना कोई हथियार ही लाया। याजक ने कहा, हाँ पलिश्ती गोलियात जिसे तूने एला तराई में घात किया उसकी तलवार कपड़े में लपेटी हुई एपोद के पीछे धरी है, यदि तू उसे लेना चाहे तो ले ले, उसे छोड़ और कोई यहां नहीं है। दाऊद बोला, उसके तुल्य कोई नहीं, वही मुझे दे। तब दाऊद चला और उसी दिन शाऊल के डर के मारे भागकर गत के राजा आकीश के पास गया और आकीश के कर्मचारियों ने आकीश से कहा, क्या वह उस देश का राजा दाऊद नहीं है? क्या लोगों ने उसी के विषय नाचते नाचते एक दूसरे के साथ यह गाना न गाया था कि शाऊल ने हजारों को और दाऊद ने लाखों को मारा है? दाऊद ने ये बातें अपने मन में रखी और गत के राजा आकीश से अत्यंत डर गया। तब वह उनके सामने दूसरी चाल चली और उनके हाथ में पड़कर बौढ़ा अर्थात पागल बन गया और फाटक के किवाड़ों पर लकीरें खींचते और अपनी लार दाढ़ी पर बहने लगा। तब आकीश ने अपने कर्मचारियों से कहा, देखो वह जन तो बावला है, तुम उसे मेरे पास क्यों लाए हो? क्या मेरे पास बावलों की कुछ घटी है कि तुम उनको मेरे सामने बावलापन करने के लिए लाए हो? क्या ऐसा जन मेरे भवन में आने पाएगा? शमूएल भविष्यवक्ता की पहली पुस्तक अध्याय 22। शमूएल भविष्यवक्ता की पहली पुस्तक अध्याय 22। और दाऊद वहां से चला और अदुल्लाम की गुफा में पहुंचकर बच गया और यह सुनकर उसके भाई बरन उसके पिता का समस्त घराना वहां उसके पास गया और जितने संकट में पड़े थे और जितने क्रूणी थे और जितने उदास थे वे सब उसके पास इकट्ठे हुए और वह उनका प्रधान हुआ और कोई 400 पुरुष उसके साथ हो गए। वहां से दाऊद ने मोआब के मिस्पे को जाकर मोआब के राजा से कहा, मेरे पिता को अपने पास तब तक आकर रहने दो जब तक कि मैं न जानूं कि परमेश्वर मेरे लिए क्या करेगा। और वह उनको मोआब के राजा के सन्मुख ले गया और जब तक दाऊद उस गढ़ में रहा तब तक वे उसके पास रहे। फिर गाद नाम एक नबी ने दाऊद से कहा, इस गढ़ में मत रह, चल यहूदा के देश में जा। और दाऊद चलकर हेरेत के वन में गया। तब शाऊल ने सुना कि दाऊद और उसके संगियों का पता लग गया है। उस समय शाऊल गिबा के ऊंचे स्थान पर एक झाऊ के पेड़ के तले हाथ में अपना भाला लिए हुए बैठा था और उसके सब कर्मचारी उसके आसपास खड़े थे। तब शाऊल अपने कर्मचारियों से जो उसके आसपास खड़े थे कहने लगा, हे बन्यामिनियों सुनो, क्या ईशे का पुत्र तुमको सभों को खेत और दाख की बारियां देगा? क्या वह तुम सभों को सहस्त्रपति और शतपति करेगा? तुम सभों ने मेरे विरुद्ध क्यों राजद्रोह की गोष्ठी की है? और जब मेरे पुत्र ने ईशे के पुत्र से वाचा बांधी तब किसी ने मुझ पर प्रकट नहीं किया और तुम में से किसी ने मेरे लिए शोकित होकर मुझ पर प्रकट नहीं किया कि मेरे पुत्र ने मेरे कर्मचारियों को मेरे विरुद्ध ऐसा घात लगाने को उभारा है जैसा आज के दिन है। तब एदोमी दोएग ने जो शाऊल के सेवकों के ऊपर ठहराया गया था उत्तर देकर कहा, मैंने तो ईशे के पुत्र को नोब में अहितूब के पुत्र अहिमले के पास आते देखा और उसने उसके लिए यहोवा से पूछा और उसे भोजन वस्तु दी और पलिश्ती गोलियात की तलवार भी दी। और राजा ने अहितूब के पुत्र अहिमलेक याजक को और उसके पिता के समस्त घराने को अर्थात नोप के रहने वाले याजकों को बुलवा भेजा। और जब वे सब के सब शाऊल राजा के पास आए तब शाऊल ने कहा, हे अहितूब के पुत्र सुन। वह बोला, हे प्रभु क्या आज्ञा है? शाऊल ने उससे पूछा, क्या कारण है कि तू और ईशे के पुत्र दोनों ने मेरे विरुद्ध राजद्रोह की गोष्ठी की है? तूने उसे रोटी और तलवार दी और
उसके लिए परमेश्वर से पूछा भी, जिससे वह मेरे विरुद्ध उठे और ऐसा घात लगाए जैसा आज के दिन है। अहिमलेख ने राजा को उत्तर देकर कहा, तेरे समस्त कर्मचारियों में दाऊद के तुल्य विश्वास योग्य कौन है? वह तो राजा का दामाद है और तेरी राजसभा में उपस्थित हुआ करता और तेरे परिवार में प्रतिष्ठित है। क्या मैंने आज ही उसके लिए परमेश्वर से पूछना आरंभ किया है? वह मुझसे दूर रहे। राजा न तो अपने दास पर ऐसा कोई दोष लगाए, न मेरे पिता के समस्त घराने पर, क्योंकि तेरा दास इन सब बखेड़ों के विषय कुछ भी नहीं जानता। राजा ने कहा, हे अहिमलेख, तू और तेरे पिता का समस्त घराना निश्चय मार डाला जाएगा। फिर राजा ने उन पहरुओं से जो उसके आसपास खड़े थे आज्ञा दी कि मुड़ो और यहोवा के याजक को मार डालो, क्योंकि उन्होंने भी दाऊद की सहायता की है और उसका भागना जानने पर भी मुझ पर प्रकट नहीं किया। परंतु राजा के सेवक यहोवा के याजकों को मारने के लिए हाथ बढ़ाना न चाहते थे। तब राजा ने दोएक से कहा, तू मुड़कर याजकों को मार डाल। तब एदोमी दोएक ने मुड़कर याजकों को मारा और उस दिन सनीवाला एपोद पहने हुए 85 पुरुषों को घात किया और याजकों के नगर नोप को उसने स्त्रियों, पुरुषों और बाल बच्चों और दोतपियों और बैलों, गधों और भेड़ बकरियों समेत तलवार से मारा। परंतु अहितूब के पुत्र अहिमलेख का एब्यातार नाम एक पुत्र बच निकला और दाऊद के पास भाग गया। तब एब्यातार ने दाऊद को बताया कि शाऊल ने यहोवा के याजकों को वध किया है। और दाऊद ने एब्यातार से कहा, जिस दिन एदोमी दोएग वहां था उसी दिन मैंने जान लिया कि वह निश्चय शाऊल को बताएगा, तेरे पिता के समस्त घराने के मारे जाने का कारण मैं ही हुआ, इसलिए तू मेरे साथ निडर रह। जो मेरे प्राण का ग्राहक है वही तेरे प्राण का भी ग्राहक है, परंतु मेरे साथ रहने से तेरी रक्षा होगी। शमूएल भविष्यवक्ता की पहली पुस्तक अध्याय 23। शमूएल भविष्यवक्ता की पहली पुस्तक अध्याय 23। और दाऊद को यह समाचार मिला कि पलिस्ती लोग किला नगर से युद्ध कर रहे हैं और खलिहानों को लूट रहे हैं। तब दाऊद ने यहोवा से पूछा कि क्या मैं जाकर पलिश्तियों को मारूं? यहोवा ने दाऊद से कहा, जा और पलिश्तियों को मार के किला को बचा। परंतु दाऊद के जनों ने उससे कहा, हम तो इस यहूदा देश में भी डरते रहते हैं, यदि हम किला जाकर पलिश्तियों की सेना का सामना करें तो क्या बहुत अधिक डर में न पड़ेंगे? तब दाऊद ने यहोवा से फिर पूछा और यहोवा ने उसे उत्तर देकर कहा, कमर बांध कर किला को जा, क्योंकि मैं पलिश्तियों को तेरे हाथ में कर दूंगा। इसलिए दाऊद अपने जनों को संग लेकर किला को गया और पलिश्तियों से लड़कर उसने पशुओं को हाक लाया और उन्हें बड़ी मार से मारा। यो दाऊद ने किला के निवासियों को बचाया। अब अहिमलेख का पुत्र एब्यातार दाऊद के पास किला को भाग गया था, तब हाथ में एपोद लिए हुए गया था। तब शाऊल को यह समाचार मिला कि दाऊद किला को गया है और शाऊल ने कहा, परमेश्वर ने उसे मेरे हाथ में कर दिया है, वह तो फाटक और बेड़े वाले नगर में घुसकर बंद हो गया है। तब शाऊल ने अपनी सारी सेना को लड़ाई के लिए बुलवाया कि किला को जाकर दाऊद और उसके जनों को घेर ले। तब दाऊद ने जान लिया कि शाऊल मेरी हानि की युक्ति कर रहा है, इसलिए उसने एब्यातार याजक से कहा, एपोद को निपट लिया। तब दाऊद ने कहा, हे इसराइल के परमेश्वर यहोवा, तेरे दास ने निश्चय सुना है कि शाऊल मेरे कारण किला नगर नाश करने को आना चाहता। क्या किला के लोग मुझे उसके वश में कर देंगे? क्या जैसे तेरे दास ने सुना है वैसे ही शाऊल आएगा? हे इसराइल के परमेश्वर यहोवा, अपने दास को यह बता। यहोवा ने कहा, हाँ वह आएगा। फिर दाऊद ने पूछा,
क्या किला के लोग मुझे और मेरे जनों को शाऊल के वश में कर देंगे? यहोवा ने कहा, हाँ वे कर देंगे। तब दाऊद और उसके जन जो कोई 600 थे किला से निकल गए और इधर उधर जहां कहीं जा सके वहां गए। और जब शाऊल को यह बताया गया कि दाऊद किला से निकल भागा है, तब उसने वहां जाने की मनसा छोड़ दी। तब दाऊद तो जंगल के गड्ढों में रहने लगा और पहाड़ी देश के जीप नाम जंगल में रहा और शाऊल उसे प्रतिदिन ढूंढता रहा, परंतु परमेश्वर ने उसे उसके हाथ में न पड़ने दिया। और दाऊद ने जान लिया कि शाऊल मेरे प्राण की खोज में निकला है। और दाऊद जीप नाम जंगल के होरेश नाम स्थान में था कि शाऊल का पुत्र योनातान उठकर उसके पास होरेश में गया और परमेश्वर की चर्चा करके उसको ढाढ़स दिलाया। उसने उससे कहा, मत डर, क्योंकि तू मेरे पिता शाऊल के हाथ में न पड़ेगा और तू ही इसराइल का राजा होगा और मैं तेरे नीचे होऊंगा, और इस बात को मेरा पिता शाऊल भी जानता है। तब उन दोनों ने यहोवा की शपथ खाकर आपस में वाचा बांधी। तब दाऊद होरेश में रहा और योनातान अपने घर चला गया। तब जीपी लोग गिबा में शाऊल के पास जाकर कहने लगे, दाऊद तो हमारे पास होरेश के गड्ढों में अर्थात उस हकीला नाम पहाड़ी में छिपा रहता है जो यशीमोन के दक्षिण की ओर है। इसलिए अब हे राजा, तेरी जो इच्छा आने की है तो आ, और उसको राजा के हाथ में पकड़वा देना हमारा काम होगा। शाऊल ने कहा, यहोवा की आशीष तुम पर हो, क्योंकि तुमने मुझे दया दिखाई है। तुम चलकर और भी निश्चय कर लो और देख भाल कर जान लो और उसके अड्डे का पता लगा लो और बूझी कि उसको वहां किसने देखा है, क्योंकि किसी ने मुझसे कहा है कि वह बड़ी चतुराई से काम करता है। इसलिए जहां कहीं वह छिपा करता है उस स्थानों को देख देख कर पहचानो, तब निश्चय करके मेरे पास लौटाना और मैं तुम्हारे साथ चलूंगा। और यदि वह उस देश में कहीं भी हो तो मैं उसे यहूदा के हजारों में से ढूंढ निकालूंगा। तब वे चलकर शाऊल के पहले जीप को गए, परंतु दाऊद अपने जनों समेत आमोन नाम जंगल में चला गया था जो अरावा में यशीमोन के दक्षिण की ओर है। तब शाऊल अपने जनों को साथ लेकर उसकी खोज में गया। इसका समाचार पाकर दाऊद पर्वत पर से उतरकर अमोन जंगल में रहने लगा। यह सुन शाऊल ने माउन जंगल में दाऊद का पीछा किया। शाऊल तो पहाड़ की एक ओर और दाऊद अपने जनों समेत पहाड़ की दूसरी ओर जा रहा था, और दाऊद शाऊल के डर के मारे जल्दी जा रहा था, और शाऊल अपने जनों समेत दाऊद और उसके जनों को पकड़ने के लिए घेरा बनाना चाहता था कि एक दूत ने शाऊल के पास आकर कहा, फुर्ती से चला आ, क्योंकि पलिश्तियों ने देश पर चढ़ाई की है। यह सुनकर शाऊल दाऊद का पीछा छोड़कर पलिश्तियों का सामना करने को चला। इस कारण उस स्थान का नाम सेलाह हम्महलकोत पड़ा। वहां से दाऊद चढ़कर एन गदी के गढ़ों में रहने लगा। शमूएल भविष्यवक्ता की पहली पुस्तक अध्याय 24। शमूएल भविष्यवक्ता की पहली पुस्तक अध्याय 24। जब शाऊल पलिश्तियों का पीछा करके लौटा, तब उसको यह समाचार मिला कि दाऊद एन गदी के जंगल में है। तब शाऊल समस्त इसराइलियों में से 3000 को छांटकर दाऊद और उसके जनों को बनेल बकरों की चट्टानों पर खोजने गया। जब वह मार्ग पर के भेड़शालों के पास पहुंचा जहां एक गुफा थी, तब शाऊल दिशा फिरने को उसके भीतर गया और उसी गुफा के कोनों में दाऊद और उसके जन बैठे हुए थे। तब दाऊद के जनों ने उससे कहा, सुन, आज वही दिन है जिसके विषय यहोवा ने तुझसे कहा था कि मैं तेरे शत्रु को तेरे हाथ में सौंप दूंगा कि तू
उससे मनमाना बर्ताव कर ले। तब दाऊद ने उठकर शाऊल के बागे की छोर को छिपकर काट लिया। इसके पीछे दाऊद शाऊल के बागे की छोर काटने से पछताया और अपने जनों से कहने लगा, यहोवा न करे कि मैं अपने प्रभु से जो यहोवा का अभिषिक्त है ऐसा काम करूं कि उस पर हाथ चलाओ, क्योंकि वह यहोवा का अभिषिक्त है। ऐसी बातें कहकर दाऊद ने अपने जनों को घुड़की लगाई और उन्हें शाऊल की हानि करने को उठने न दिया। फिर शाऊल उठकर गुफा से निकला और अपना मार्ग लिया। उसके पीछे दाऊद भी उठकर गुफा से निकला और शाऊल को पीछे से पुकार कर बोला, हे मेरे प्रभु, हे राजा। जब शाऊल ने फिर कर देखा तब दाऊद ने भूमि की ओर सिर झुकाकर दंडवत किया और दाऊद ने शाऊल से कहा, जो मनुष्य कहते हैं कि दाऊद तेरी हानि करना चाहता है उनकी तू क्यों सुनता है? देख, आज तूने अपनी आंखों से देखा है कि यहोवा ने आज गुफा में तुझे मेरे हाथ सौंप दिया था और किसी किसी ने तो मुझे तुझसे मारने को कहा था, परंतु मुझे तुझ पर तरस आया और मैंने कहा, मैं अपने प्रभु पर हाथ न चलाऊंगा क्योंकि वह यहोवा का अभिषिक्त है। फिर हे मेरे पिता, देख अपने बागे की छोर मेरे हाथ में देख, मैंने तेरे बागे की छोर को काट ली परंतु तुझे घात न किया। इससे निश्चय करके जान ले कि मेरे मन में कोई बुराई व अपराध का सोच नहीं है और मैंने तेरा कुछ अपराध नहीं किया, परंतु तू मेरे प्राण लेने को मानो उसका आहेर करता रहता है। यहोवा मेरा और तेरा न्याय करे और यहोवा तुझसे मेरा पलटा ले, परंतु मेरा हाथ तुझ पर न उठेगा। प्राचीनों के नीति वचन के अनुसार दुष्टता दुष्टों से होती है, परंतु मेरा हाथ तुझ पर न उठेगा। इसराइल का राजा किसका पीछा करने को निकला है और किसके पीछे पड़ा है? एक मरे कुत्ते के पीछे, एक पिस्सू के पीछे। इसलिए यहोवा न्यायी होकर मेरा तेरा विचार करे और विचार करके सेरा मुकदमा लड़े और न्याय करके मुझे तेरे हाथ से बचाए। दाऊद शाऊल से ये बातें कह चुका था कि शाऊल ने कहा, हे मेरे बेटे दाऊद, क्या यह तेरा बोल है? तब शाऊल चिल्लाकर रोने लगा। फिर उसने दाऊद से कहा, तू मुझसे अधिक धर्मी है, तूने तो मेरे साथ भलाई की है परंतु मैंने तेरे साथ बुराई की, और तूने आज यह प्रकट किया है कि तूने मेरे साथ भलाई की है कि जब यहोवा ने मुझे तेरे हाथ के कर दिया था तब तूने मुझे घात न किया। भला क्या कोई मनुष्य अपने शत्रु को पाकर कुशल से जाने देता है? इसलिए जो तूने आज मेरे साथ किया है इसका अच्छा बदला यहोवा तुझे दे। और अब मुझे मालूम हुआ है कि तू निश्चय राजा हो जाएगा और इसराइल का राज्य तेरे हाथ में स्थिर होगा। अब मुझसे यहोवा की शपथ खा कि मैं तेरे वंश को तेरे पीछे नाश न करूंगा और तेरे पिता के घराने में से तेरा नाम मिटा न डालूंगा। तब दाऊद ने शाऊल से ऐसी ही शपथ खाई। तब शाऊल अपने घर चला गया और दाऊद अपने जनों समेत गढ़ों में चला गया। शमूएल भविष्यवक्ता की पहली पुस्तक अध्याय 25। शमूएल भविष्यवक्ता की पहली पुस्तक अध्याय 25। और शमूएल मर गया और समस्त इसराइलियों ने इकट्ठे होकर उसके लिए छाती पीटी और उसके घर ही में जो रामा में था उसको मिट्टी दी। तब दाऊद उठकर पारान जंगल को चला गया। माउन में एक पुरुष रहता था जिसका माल करमेल में था और वह पुरुष बहुत बड़ा था और उसके 3,000 भेड़े और 1,000 बकरियां थी और वह अपनी भेड़ों का ऊन कतर रहा था। उस पुरुष का नाम नाबाल और उसकी पत्नी का नाम अबिगेल था। स्त्री तो बुद्धिमान और रूपवती थी परंतु पुरुष कठोर और बुरे बुरे काम करने वाला था। वह तो कालेबवंशी था। जब दाऊद ने जंगल में समाचार पाया कि नाबाल अपनी भेड़ों का ऊन कतर रहा है तब दाऊद ने
10 जवानों को वहां भेज दिया और दाऊद ने उन जवानों से कहा कि कर्मेल में नाबाल के पास जाकर कहो और मेरी ओर से उसका कुशलक्षेम पूछो और उससे यू कहो कि तू चिरंजीव रहे, तेरा कल्याण हो और तेरा घराना कल्याण से रहे और जो कुछ तेरा है वह कल्याण से रहे। मैंने सुना है कि तू जो ऊन कतर रहा है तेरे चरवाहे हम लोगों के पास रहे और न तो हमने उनकी कुछ हानि की और न उनका कुछ खोया गया। अपने जवानों से यह बात पूछ ले और वे तुझको बताएंगे, सो इन जवानों पर तेरे अनुग्रह की दृष्टि हो। हम तो आनंद के समय में आए हैं, इसलिए जो कुछ तेरे हाथ लगे वह अपने दासों और अपने बेटे दाऊद को दे। ऐसी ऐसी बातें दाऊद के जवान जाकर उसके नाम से नाबाल को सुनाकर चुप रहे। नाबाल ने दाऊद के जनों को उत्तर देकर उनसे कहा, दाऊद कौन है? ईशा का पुत्र कौन है? आजकल बहुत से दास अपने अपने स्वामी के पास से भाग जाते हैं। क्या मैं अपनी रोटी पानी और जो पशु मैंने अपने कतरने वालों के लिए मारे हैं लेकर ऐसे लोगों को दे दूं जिनको मैं नहीं जानता कि कहां के हैं? तब दाऊद के जवानों ने लौटकर अपना मार्ग लिया और लौटकर उसको ये सब बातें जो कि त्यों सुना दी। तब दाऊद ने अपने जनों से कहा, अपनी अपनी तलवार बांध लो। तब उन्होंने अपनी अपनी तलवार बांध ली और दाऊद ने भी अपनी तलवार बांध ली और कोई 400 पुरुष दाऊद के पीछे पीछे चले और 200 सामान के पास रह गए। परंतु एक सेवक ने नाबाल की पत्नी अबिगेल को बताया कि दाऊद ने जंगल से हमारे स्वामी को आशीर्वाद देने के लिए दूत भेजे थे और उसने उन्हें ललकार दिया, परंतु वे मनुष्य हमसे बहुत अच्छा बर्ताव रखते थे और जब तक हम मैदान में रहते हुए उनके पास आया जाया करते थे तब तक न तो हमारी कुछ हानि हुई और न हमारा कुछ खोया गया। जब तक हम उनके साथ भेड़ बकरियां चराते रहे तब तक वे रात दिन हमारी आड़ बने रहे। इसलिए अब सोच विचार कर कि क्या करना चाहिए, क्योंकि उन्होंने हमारे स्वामी की ओर उसके समस्त घराने की हानि ठानी होगी। वह तो ऐसा दुष्ट है कि उससे कोई बोल भी नहीं सकता। तब अबिगेल ने फुर्ती से 200 रोटी और 2 कुप्पी दाख मधु और 5 भेड़ियों का मांस और 5 सना भुना हुआ अनाज और 100 गुच्छे किशमिश और अंजीरों की 200 टिकिया लेकर गद्दों पर लदवाई और उसने अपने जवानों से कहा, तुम मेरे आगे आगे चलो, मैं तुम्हारे पीछे पीछे आती हूँ। परंतु उसने अपने पति नाबाल से कुछ न कहा। वह गद्दे पर चढ़ी हुई पहाड़ की आड़ में उतरी जाती थी और दाऊद अपने जनों समेत उसके सामने उतरा आता था और वह उनको मिली। दाऊद ने तो सोचा कि मैंने जो जंगल में उसके सब माल की ऐसी रक्षा की उसका कुछ भी न खोया, यह निसंदेह व्यर्थ हुआ क्योंकि उसने भलाई के बदले मुझसे बुराई की है। यदि बिहान को उजियाला होने तक उस जन के समस्त लोगों में से एक लड़के को भी मैं जीवित छोड़ू तो परमेश्वर मेरे सब शत्रुओं से ऐसा ही करे, वरन इससे भी अधिक करे। दाऊद को देख अबिगेल फुर्ती करके गद्दे पर से उतर पड़ी और दाऊद के सन्मुख मुंह के बल भूमि पर गिरकर दंडवत किया। फिर वह उसके पांव पर गिरके कहने लगी, हे मेरे प्रभु, यह अपराध मेरे ही सिर पर हो। तेरी दासी तुझसे कुछ कहना चाहती है और तू अपनी दासी की बातों को सुन ले। मेरा प्रभु उस दुष्ट नाबाल पर चित्त न लगाए, क्योंकि जैसा उसका नाम है वैसा ही वह आप है। उसका नाम तो नाबाल है और सचमुच उसमें मूढ़ता पाई जाती है, परंतु मुझ तेरी दासी ने अपने प्रभु के जवानों को जिन्हें तूने भेजा था न देखा था। और अब हे मेरे प्रभु, यहोवा के जीवन की शपथ और तेरे जीवन की शपथ कि यहोवा ने जो तुझे खून से और अपने हाथ के द्वारा अपना पलटा लेने से रोक रखा है, इसलिए अब तेरे शत्रु और मेरे प्रभु की हानि के चाहने वाले नाबाल ही के समान ठहरे। और अब यह भेंट
जो तेरी दासी अपने प्रभु के पास लाई है उन जवानों को दी जाए जो मेरे प्रभु के साथ चलते हैं। अपने दासी का अपराध क्षमा कर, क्योंकि यहोवा निश्चय मेरे प्रभु का घर बसाएगा और स्थिर करेगा, इसलिए कि मेरा प्रभु यहोवा की ओर से लड़ता है और जन्म भर तुझ में कोई बुराई नहीं पाई जाएगी। और यद्यपि एक मनुष्य तेरा पीछा करने और तेरे प्राण का ग्राहक होने को उठता है, तो भी मेरे प्रभु का प्राण तेरे परमेश्वर यहोवा की जीवन रूपी गठरी में बंधा रहेगा और तेरे शत्रुओं के प्राणों को वह मानो गोफन में रखकर फेंक देगा। इसलिए जब यहोवा मेरे प्रभु के लिए यह समस्त भलाई करेगा जो उसने तेरे विषय में कही है और तुझे इस्राएल पर प्रधान करके ठहराएगा, तब तुझे इस कारण पछताना न होगा व मेरे प्रभु का हृदय पीड़ित न होगा कि तूने अकारण खून किया और मेरे प्रभु ने अपना पलटा आप लिया है। फिर जब यहोवा मेरे प्रभु से भलाई करे तब अपनी दासी को स्मरण करना। दाऊद ने अबिगेल से कहा, इस्राएल का परमेश्वर यहोवा धन्य है जिसने आज के दिन मुझसे भेंट करने के लिए तुझे भेजा है और तेरा विवेक धन्य है और तू आप भी धन्य है कि तूने मुझे आज के दिन खून करने और अपना पलटा आप लेने से रोक लिया है, क्योंकि सचमुच इस्राएल का परमेश्वर यहोवा जिसने मुझे तेरी हानि करने से रोका है उसके जीवन की शपथ, यदि तू फुर्ती करके मुझसे भेंट करने को न आती तो निसंदेह बिहान को उजियाला होने तक नाबाल का कोई लड़का भी न बचता। तब दाऊद ने उसे ग्रहण किया जो वह उसके लिए लाई थी। फिर उससे उसने कहा, अपने घर कुशल से जा, सुन मैंने तेरी बात मानी है और तेरी विनती ग्रहण कर ली है। तब अबिगेल नाबाल के पास लौट गई और क्या देखती है कि वह घर में राजा किसी जेवनार कर रहा है और नाबाल का मन मगन है और वह नशे में अति चूर हो गया है, इसलिए उसने भोर के उजियाले होने से पहले उससे कुछ भी न कहा। बिहान को जब नाबाल का नशा उतर गया तब उसकी पत्नी ने उसे कुल हाल सुना दिया। तब उसके मन का हियाव जाता रहा और वह पत्थर सा सुन हो गया। और 10 दिन के पश्चात यहोवा ने नाबाल को ऐसा मारा कि वह मर गया। नाबाल के मरने का हाल सुनकर दाऊद ने कहा, धन्य है यहोवा जिसने नाबाल के साथ मेरी नामधराई का मुकदमा लड़कर अपने दास को बुराई से रोक रखा। और यहोवा ने नाबाल की बुराई को उसी के सिर पर लाद दिया है। तब दाऊद ने लोगों को अबिगेल के पास इसलिए भेजा कि वे उससे उसकी पत्नी होने की बातचीत करें। तो जब दाऊद के सेवक कर्मेल को अबिगेल के पास पहुंचे तब उससे कहने लगे कि दाऊद ने हमें तेरे पास इसलिए भेजा है कि तू उसकी पत्नी बने। तब वह उठी और मुंह के बल भूमि पर गिरकर दंडवत करके कहने लगी, तेरी दासी अपने प्रभु के सेवकों के चरण धोने के लिए लौंडी बने। तब अबिगेल फुर्ती से उठी और गधे पर चढ़ी और उसकी 5 सहेलियां उसके पीछे पीछे हो ली और वह दाऊद के दूतों के पीछे पीछे गई और उसकी पत्नी हो गई। और दाऊद ने इज्रेल नगर की अहीनोअम को भी ब्याह लिया तो वे दोनों उसकी पत्नियां हुई। परंतु शाऊल ने अपनी बेटी दाऊद की पत्नी मीकल को लयश के पुत्र गल्लिमवासी पलती को दे दिया था। शमूएल भविष्यवक्ता की पहली पुस्तक अध्याय 26। शमूएल भविष्यवक्ता की पहली पुस्तक अध्याय 26। फिर जीप लोग गिबा में शाऊल के पास जाकर कहने लगे, क्या दाऊद उस हकीला नाम पहाड़ी पर जो यशीमून के सामने है छिपा नहीं रहता? तब शाऊल उठकर इस्राएल के 3,000 छाटे हुए योद्धा संग लिए हुए गया कि दाऊद को जीप के जंगल में खोजे। और शाऊल ने अपनी छावनी मार्ग के पास हकीला नाम पहाड़ी पर जो यशीमून के सामने है डाली, परंतु दाऊद जंगल में रहा और उसने जान लिया
कि शाऊल मेरा पीछा करने को जंगल में आया है। तब दाऊद ने भेदियों को भेजकर निश्चय कर लिया कि शाऊल सचमुच आ गया है। तब दाऊद उठकर उस स्थान पर गया जहां शाऊल पड़ा था, और दाऊद ने उस स्थान को देखा जहां शाऊल अपने सेनापति नेर के पुत्र अबनेर समेत पड़ा था। शाऊल तो गाड़ियों की आड़ में पड़ा था और उसके लोग उसके चारों ओर डेरे लगाए हुए थे। तब दाऊद ने हित्ती अहिमलेख और जरुयाह के पुत्र योआब के भाई अबिशय से कहा, मेरे साथ उस छावनी में शाऊल के पास कौन चलेगा? अबिशय ने कहा, मैं तेरे साथ चलूंगा। सो दाऊद और अबिशय रातों रात उस लोगों के पास गए और क्या देखते हैं कि शाऊल गाड़ियों की आड़ में पड़ा सो रहा है, और उसका भाला उसके सिरहाने भूमि में गड़ा है, और अबनेर और योद्धा लोग उसके चारों ओर पड़े हुए हैं। तब अबिशय ने दाऊद से कहा, परमेश्वर ने आज तेरे शत्रु को तेरे हाथ में कर दिया है, इसलिए अब मैं उसको एक बार ऐसा मारूं कि भाला उसे बहता हुआ भूमि में धस जाए और मुझको उसे दोबारा मारना न पड़ेगा। दाऊद ने अबिशय से कहा, उसे नाश न कर, क्योंकि यहोवा के अभिषिक्त पर हाथ चलाने वाला कौन निर्दोष ठहर सकता है? फिर दाऊद ने कहा, यहोवा के जीवन की शपथ, यहोवा ही उसको मारेगा, वह अपनी मृत्यु से मरेगा, वह लड़ाई में जाकर मर जाएगा। यहोवा न करे कि मैं अपना हाथ यहोवा के अभिषिक्त पर बढ़ाऊं, अब उसके सिरहाने से भाला और पानी की झारी उठा ले और हम यहां से चले जाए। तब दाऊद ने भाले और पानी की झारी को शाऊल के सिरहाने से उठा लिया और वे चले गए, और किसी ने इसे न देखा और न जाना और न कोई जागा, क्योंकि वे सब इस कारण सोए हुए थे कि यहोवा की ओर से उन पर भारी नींद समा गई थी। तब दाऊद परली और जाकर दूर के पहाड़ की चोटी पर खड़ा हुआ, और दोनों के बीच बड़ा अंतर था, और दाऊद ने उन लोगों को और नेर के पुत्र अबनेर को पुकार के कहा, हे अबनेर, क्या तू नहीं सुनता? अबनेर ने उत्तर देकर कहा, तू कौन है जो राजा को पुकारता है? दाऊद ने अबनेर से कहा, क्या तू पुरुष नहीं है? इसराइल में तेरे तुल्य कौन है? तूने अपने स्वामी राजा की चौकसी क्यों नहीं की? एक जन तो तेरे स्वामी राजा को नाश करने घुसा था। जो काम तूने किया है वह अच्छा नहीं। यहोवा के जीवन की शपथ, तुम लोग मारे जाने के योग्य हो, क्योंकि तुमने अपने स्वामी यहोवा के अभिषिक्त की चौकसी नहीं की। और अब देख, राजा का भाला और पानी की झारी जो उसके सिरहाने थी वे कहाँ है? तब शाऊल ने दाऊद का बोल पहचान कर कहा, हे मेरे बेटे दाऊद, क्या यह तेरा बोल है? दाऊद ने कहा, हाँ मेरे प्रभु राजा, मेरा ही बोल है। फिर उसने कहा, मेरा प्रभु अपने दास का पीछा क्यों करता है? मैंने क्या किया है और मुझसे कौन सी बुराई हुई? अब मेरा प्रभु राजा अपने दास की बातें सुन ले। यदि यहोवा ने तुझे मेरे विरुद्ध उसकाया हो तब तो वह भेंट ग्रहण करे, परंतु यदि आदमियों ने ऐसा किया हो तो वे यहोवा की ओर से शापित हो, क्योंकि उन्होंने अब मुझे निकाल दिया कि मैं यहोवा के निज भाग में न रहूं, और उन्होंने कहा है कि जा पराए देवता की उपासना कर, इसलिए अब मेरा लोहू यहोवा की आंखों की ओट में भूमि पर न बहने पाए। इसराइल का राजा तो एक पिस्सू ढूंढने आया है, जैसा कि कोई पहाड़ों पर तीतर का अहेर करे। शाऊल ने कहा, मैंने पाप किया है, हे मेरे बेटे दाऊद, लौटा, मेरा प्राण आज के दिन तेरी दृष्टि में अनमोल ठहरा, इस कारण मैं फिर तेरी कुछ हानि न करूंगा। सुन, मैंने मूर्खता की और मुझसे बड़ी भूल हुई है। दाऊद ने उत्तर देकर कहा, हे राजा, भाले को देख, कोई जवान इधर आकर इसे ले जाए। यहोवा एक एक को अपने अपने धर्म और सच्चाई का फल देगा। देख, आज यहोवा ने तुझको मेरे हाथ में कर दिया, परंतु
मैंने यहोवा के अभिषिक्त पर अपना हाथ बढ़ाना उचित न समझा, इसलिए जैसे तेरे प्राण आज मेरी दृष्टि में प्रिय ठहरे, वैसे ही मेरे प्राण भी यहोवा की दृष्टि में प्रिय ठहरे और वह मुझे समस्त विपत्तियों से छुड़ाए। शाऊल ने दाऊद से कहा, हे मेरे बेटे दाऊद, तू धन्य है, तू बड़े बड़े काम करेगा और तेरे काम सफल होंगे। तब दाऊद ने अपना मार्ग लिया और शाऊल भी अपने स्थान को लौट गया। शमूएल भविष्यवक्ता की पहली पुस्तक अध्याय 27। शमूएल भविष्यवक्ता की पहली पुस्तक अध्याय 27। दाऊद का फिलिस्तीनियों के यहां शरण लेना और शाऊल और योनातान का मारा जाना। और दाऊद सोचने लगा, अब मैं किसी न किसी दिन शाऊल के हाथ से नाश हो जाऊंगा। अब मेरे लिए उत्तम यह है कि मैं फिलिस्तीनियों के देश में भाग जाऊं, तब शाऊल मेरे विषय निराश होगा और मुझे इसराइल के देश के किसी भाग में फिर न ढूंढेगा, यो मैं उसके हाथ से बच निकलूंगा। तब दाऊद अपने 600 संगी पुरुषों को लेकर चला गया और गत के राजा माओक के पुत्र आकिश के पास गया और दाऊद और उसके जन अपने अपने परिवार समेत गत में आकिश के पास रहने लगे। दाऊद तो अपनी दो स्त्रियों के साथ अर्थात इज़रेली अहिनोअम और नाबाल की स्त्री कर्मेली अबिगेल के साथ रहा। जब शाऊल को यह समाचार मिला कि दाऊद गत को भाग गया है, तब उसने उसे फिर कभी न ढूंढा। दाऊद ने आकिश से कहा, यदि मुझ पर तेरे अनुग्रह की दृष्टि हो तो देश की किसी बस्ती में मुझे स्थान दिला दे जहां मैं रहूं, तेरा दास तेरे साथ राजधानी में क्यों रहे। तब आकिश ने उसे उसी दिन सिकलग बस्ती दी। इस कारण से सिकलग आज के दिन तक यहूदा के राजाओं का बना है। फिलिस्तीनियों के देश में रहते रहते दाऊद को 1 वर्ष 4 महीने बीत गए और दाऊद ने अपने जनों समेत जाकर गशुरियों, गिरजियों और अमालिकियों पर चढ़ाई की। ये जातियां तो प्राचीन काल से उस देश में रहती थी जो शूर के मार्ग में मिस्र देश तक है। दाऊद ने उस देश को नाश किया और स्त्री पुरुष किसी को जीवित न छोड़ा और भेड़ बकरी, गाय बैल, गधे, ऊंट और वस्त्र लेकर लौटा और आकिश के पास गया। आकिश ने पूछा, आज तुमने चढ़ाई तो नहीं की? दाऊद ने कहा, हां, यहूदा, यरहमेलियो और केनियों की दक्षिण दिशा में। दाऊद ने स्त्री पुरुष किसी को जीवित न छोड़ा कि उन्हें गत में पहुंचाए। उसने सोचा था कि ऐसा न हो कि वे हमारा काम बताकर यह कहे कि दाऊद ने ऐसा ऐसा किया है। वरन जब से वह फिलिस्तीनियों के देश में रहता है तब से उसका काम ऐसा ही है। तब आकिश ने दाऊद की बात सच मानकर कहा, यह अपने इसराइली लोगों की दृष्टि में अति घृणित हुआ है, इसलिए यह सदा के लिए मेरा दास बना रहेगा। शमूएल भविष्यवक्ता की पहली पुस्तक अध्याय 28। शमूएल भविष्यवक्ता की पहली पुस्तक अध्याय 28। उन दिनों में फिलिस्तीनियों ने इसराइल से लड़ने के लिए अपनी सेना इकट्ठी की और आकिश ने दाऊद से कहा, निश्चय जान कि तुझे अपने जनों समेत मेरे साथ सेना में जाना होगा। दाऊद ने आकिश से कहा, इस कारण तू जान लेगा कि तेरा दास क्या करेगा। आकिश ने दाऊद से कहा, इस कारण मैं तुझे अपने सिर का रक्षक सदा के लिए ठहराऊंगा। शमूएल तो मर गया था और समस्त इसराइलियों ने उसके विषय छाती पीटी और उसको उसके नगर रामा में मिट्टी दी थी और शाऊल ने ओझो और भूतसिद्धि करने वालों को देश से निकाल दिया था। जब फिलिस्ती इकट्ठे हुए और शुनेम में छावनी डाली तो शाऊल ने सब इसराइलियों को इकट्ठा किया और उन्होंने गिलबो में छावनी डाली। फिलिस्तीनियों की सेना को देखकर शाऊल डर गया और उसका मन अत्यंत भयभीत होकर कांप उठा। और जब शाऊल ने यहोवा से पूछा तब यहोवा ने न तो स्वप्न के द्वारा उसे उत्तर दिया
और न उरीम के द्वारा और न भविष्यवक्ताओं के द्वारा। तब शाऊल ने अपने कर्मचारियों से कहा, मेरे लिए किसी भूत सिद्धि करने वाले को ढूंढो, फिर मैं उसके पास जाकर उससे पूछूं। उसके कर्मचारियों ने उससे कहा, इंदौर में एक भूत सिद्धि करने वाली रहती है। तब शाऊल ने अपना भेष बदला और दूसरे कपड़े पहनकर दो मनुष्य संग लेकर रातोंरात चलकर उस स्त्री के पास गया और कहा, अपने सिद्धि भूत से मेरे लिए भावी कहलावा और जिसका नाम मैं लूंगा उससे बुलवा दे। स्त्री ने उससे कहा, तू जानता है कि शाऊल ने क्या किया है कि उसने ओझो और भूत सिद्धि करने वालों को देश से निकाल दिया है। फिर तू मेरे प्राण के लिए क्यों फंदा लगाता है कि मुझे मरवा डाले? शाऊल ने यहोवा की शपथ खाकर उससे कहा, यहोवा के जीवन की शपथ, इस बात के कारण तुझे दंड न मिलेगा। स्त्री ने पूछा, मैं तेरे लिए किसको बुलाऊं? उसने कहा, शमूएल को मेरे लिए बुला। जब स्त्री ने शमूएल को देखा तब ऊंचे शब्द से चिल्लाए और शाऊल से कहा, तूने मुझे क्यों धोखा दिया? तू तो शाऊल है। राजा ने उससे कहा, मत डर, तुझे क्या देख पड़ता है? स्त्री ने शाऊल से कहा, मुझे एक देवता पृथ्वी में से चढ़ता हुआ दिखाई पड़ता है। उसने उससे पूछा, उसका कैसा रूप है? उसने कहा, एक बूढ़ा पुरुष बागा ओढ़े हुए चढ़ा आता है। तब शाऊल ने निश्चय जानकर कि वह शमूएल है, औंधे मुंह भूमि पर गिर के दंडवत किया। शमूएल ने शाऊल से पूछा, तूने मुझे ऊपर बुलवाकर क्यों सताया है? शाऊल ने कहा, मैं बड़े संकट में पड़ा हूं क्योंकि पलिश्ती मेरे साथ लड़ रहे हैं और परमेश्वर ने मुझे छोड़ दिया है और अब मुझे न तो भविष्यवाणियों के द्वारा उत्तर देता है और न स्वप्नों के, इसलिए मैंने तुझे बुलाया कि तू मुझे जता दे कि मैं क्या करूं। शमूएल ने कहा, जब यहोवा तुझे छोड़कर तेरा शत्रु बन गया तब तू मुझसे क्यों पूछता है? यहोवा ने तो जैसे तुझसे कहलवाया था वैसा ही उसने व्यवहार किया है, अर्थात उसने तेरे हाथ से राज्य छीनकर तेरे पड़ोसी दाऊद को दे दिया है। तूने जो यहोवा की बात न मानी और न अमालेकियों को उसके भड़के हुए कोप के अनुसार दंड दिया था, इस कारण परमेश्वर ने तुझसे आज ऐसा बर्ताव किया। फिर यहोवा तुझ समेत इसराइलियों को पलिश्तियों के हाथ में कर देगा और तू अपने बेटों समेत कल मेरे साथ होगा और इसराइली सेना को भी यहोवा पलिश्तियों के हाथ में कर देगा। तब शाऊल तुरंत मुंह के बल भूमि पर गिर पड़ा और शमूएल की बातों के कारण अत्यंत डर गया। उसने पूरे दिन और रात भोजन न किया, इससे उसमें कुछ बल भी न रहा। तब वह स्त्री शाऊल के पास आई और उसको अति व्याकुल देखकर उसने कहा, सुन, तेरी दासी ने तो तेरी बातें मानी और मैंने अपने प्राण पर खेलकर तेरे वचनों को सुन लिया जो तूने मुझसे कहा, तो अब तू भी अपनी दासी की बात मान और मैं तेरे सामने एक टुकड़ा रोटी रखूं, तू उसे खा कि जब तू अपना मार्ग ले तब तुझे बल आ जाए। उसने इनकार करके कहा, मैं न खाऊंगा, परंतु उसके सेवकों और स्त्री ने मिलकर यहां तक उसे दबाया कि वह उनकी बात मानकर भूमि पर से उठकर खाट पर बैठ गया। स्त्री के घर में तो एक तैयार किया हुआ बछड़ा था, उसने फुर्ती करके उसे मारा, फिर आटा लेकर गूंधा और अखमीरी रोटी बनाकर शाऊल और उसके सेवकों के आगे लगाई और उन्होंने खाया। तब वे उसी रात उठकर चले गए। शमूएल भविष्यवक्ता की पहली पुस्तक अध्याय 29। शमूएल भविष्यवक्ता की पहली पुस्तक अध्याय 29। पलिश्तियों ने अपनी समस्त सेना को अपेक में इकट्ठा किया और इसराइली इज़राइल के निकट के सोते के पास डेरे डाले हुए थे। तब पलिश्तियों के सरदार अपने अपने सैकड़ों और हजारों समेत आगे बढ़ गए और सेना के पीछे पीछे आकिश के साथ दाऊद भी अपने जनों समेत बढ़ गया। तब पलिश्ती हाकिमों ने पूछा, उन इब्रियों का यहां क्या काम है? आकिश ने पलिश्ती सरदारों से कहा, क्या वह इसराइल के राजा शाऊल का कर्मचारी दाऊद नहीं है
जो क्या जाने कितने दिनों से वरन वर्षों से मेरे साथ रहता है, और जब से वह भाग आया तब से आज तक मैंने उसमें कोई दोष नहीं पाया। तब पलिश्ती हाकिम उससे क्रोधित हुए और उससे कहा, उस पुरुष को लौटा दे कि वह उस स्थान पर जाए जो तूने उसके लिए ठहराया है, वह हमारे संग लड़ाई में न आने पाएगा, कहीं ऐसा न हो कि वह लड़ाई में हमारा विरोधी बन जाए, फिर वह अपने स्वामी से फिर किस रीति से मेल करे, क्या लोगों के सिर कटवाकर न करेगा। क्या यह वही दाऊद ने जिसके विषय में लोग नाचते और गाते हुए एक दूसरे से कहते थे कि शाऊल ने हजारों को मारा पर दाऊद ने लाखों को मारा है। तब आकिश ने दाऊद को बुलवाकर उससे कहा, यहोवा के जीवन की शपथ, तू तो सीधा है और सेना में तेरा नाम मेरे संग आना जाना भी तुझे भावता है, क्योंकि जब से तू मेरे पास आया तब से लेकर आज तक मैंने तो तुझ में कोई बुराई नहीं पाई, तो भी सरदार लोग तुझे नहीं चाहते, इसलिए अब तू कुशल से लौट जा, ऐसा न हो कि पलिश्ती सरदार तुझसे अप्रसन्न हो। दाऊद ने आकिश से कहा, मैंने क्या किया है, और जब से मैं तेरे पास आया तब से आज तक तूने अपने दास में क्या पाया है कि मैं अपने प्रभु राजा के शत्रुओं से लड़ने न पाऊं। आकिश ने दाऊद को उत्तर देकर कहा, हां यह मुझे मालूम है, तू मेरी दृष्टि में तो परमेश्वर के दूत के समान अच्छा लगता है, तो भी पलिश्ती हकीमों ने कहा है कि वह हमारे संग लड़ाई में न जाने पाएगा, इसलिए अब तू अपने प्रभु के सेवकों को लेकर जो तेरे साथ आए हैं बिहान को तड़के उठना, और तुम बिहान को तड़के उठकर उजियाला होते ही चले जाना। इसलिए बिहान को दाऊद अपने जनों समेत तड़के उठकर पलिश्तियों के देश को लौट गया और पलिश्ती इज़राइल को चढ़ गए। शमूएल भविष्यवक्ता की पहली पुस्तक अध्याय 30। शमूएल भविष्यवक्ता की पहली पुस्तक अध्याय 30। तीसरे दिन जब दाऊद अपने जनों समेत सिकलक पहुंचा तब उन्होंने क्या देखा कि अमालेकियों ने दक्षिण देश और सिकलक पर चढ़ाई की और सिकलक को मार के फूंक दिया और उसमें की स्त्री आदि छोटे बड़े जितने थे सबको बंधुआई में ले गए। उन्होंने किसी को मार तो नहीं डाला परंतु सबों को लेकर अपना मार्ग लिया। इसलिए जब दाऊद अपने जनों समेत उस नगर में पहुंचा तब नगर तो जला पड़ा था और स्त्रियां और बेटे बेटियां बंधुआई में चली गई थी। तब दाऊद और वे लोग जो उसके साथ थे चिल्लाकर इतना रोए कि फिर उनमें रोने की शक्ति न रही। और दाऊद की दो स्त्रियां इज़राइली अहिनोअम और कर्मेली नाबाल की स्त्री अबीगैल बंधुआई में गई थी, और दाऊद बड़े संकट में पड़ा क्योंकि लोग अपने बेटे बेटियों के कारण बहुत शोकित होकर उस पर पत्थरवाह करने की चर्चा कर रहे थे। परंतु दाऊद ने अपने परमेश्वर यहोवा को स्मरण करके हियाव बांधा। तब दाऊद ने अहिमलेक के पुत्र एब्यातार याजक से कहा, एपोत को मेरे पास ला। तब एब्यातार एपोत को दाऊद के पास ले आया और दाऊद ने यहोवा से पूछा, क्या मैं इस दल का पीछा करूं, क्या उसको जा पकड़ूंगा। उसने उससे कहा, पीछा कर, क्योंकि तू निश्चय उसको पकड़ेगा और निसंदेह सब कुछ छुड़ा लाएगा। तब दाऊद अपने 600 साथी जनों को लेकर बसोर नाम नाले तक पहुंचा, वहां कुछ लोग छोड़े जाकर रह गए थे। दाऊद तो 400 पुरुषों समेत पीछा किए चला गया, परंतु जो 200 जो ऐसे थके हुए थे कि बसोर नाले के पार न जा सके वहीं रहे। उनको एक मिस्री पुरुष मैदान में मिला, उन्होंने उसे दाऊद के पास ले जाकर रोटी दी और उसने उसे खाया, तब उसे पानी पिलाया, फिर उन्होंने उसको अंजीर की टिकिया का एक टुकड़ा और दो गुच्छे किशमिश दिए, और जब उसने खाया तब उसके जी में जी आया। उसने 3 दिन और 3 रात से न तो रोटी खाई थी और न पानी पिया था। तब दाऊद ने उससे पूछा, तू किसका जन है और कहां का है। उसने कहा, मैं तो मिस्री जवान
और एक अमालेकी मनुष्य का दास हूँ, और तीन दिन हुए कि मैं बीमार पड़ा और मेरा स्वामी मुझे छोड़ गया। हम लोगों ने करेतियों की दक्षिण दिशा में और यहूदा के देश में और कालेब की दक्षिण दिशा में चढ़ाई की और सिकलक को आग लगाकर फूंक दिया था। दाऊद ने उसे पूछा, क्या तू मुझे उस दल के पास पहुंचा देगा? उसने कहा, मुझसे परमेश्वर की यह शपथ खा कि मैं तुझे न तो प्राण से मारूंगा और न तेरे स्वामी के हाथ कर दूंगा, तब मैं तुझे उस दल के पास पहुंचा दूंगा। जब उसने उसे पहुंचाया, तब देखने में आया कि सब भूमि पर छिटके हुए खाते पीते और उस बड़ी लूट के कारण जो वे पलिश्तियों के देश और यहूदा से लाए थे नाच रहे थे। इसलिए दाऊद उन्हें रात के पहले पहर से लेकर दूसरे दिन की सांझ तक मारता रहा, यहां तक कि 400 जवान को छोड़ जो ऊंटों पर चढ़कर भाग गए, उनमें से एक भी मनुष्य न बचा। और जो कुछ अमालेकी ले गए थे वह सब दाऊद ने छुड़ाया, और दाऊद ने अपनी दोनों स्त्रियों को भी छुड़ा लिया, वरन उनके क्या छोटे क्या बड़े, क्या बेटे क्या बेटियां, क्या लूट का माल, सब कुछ जो अमालेकी ले गए थे उसमें से कोई वस्तु न रही जो उनको न मिली हो, क्योंकि दाऊद सब का सब लौटा लाया। और दाऊद ने सब भेड़ बकरियां और गाय बैल भी लूट लिए, और इन्हें लोग यह कहते हुए अपने जानवरों के आगे आगे हाँकते गए कि यह दाऊद की लूट है। तब दाऊद उन 200 पुरुषों के पास आया जो ऐसे थक गए थे कि दाऊद के पीछे पीछे न जा सके थे, और बसोर नाले के पास छोड़ दिए गए थे, और वे दाऊद से और उसके संग के लोगों से मिलने को चले, और दाऊद ने उनके पास पहुंचकर उनका कुशल क्षेम पूछा। तब उन लोगों में से जो दाऊद के संग गए थे सब दुष्ट और ओछे लोगों ने कहा, ये लोग हमारे साथ नहीं चले थे, इस कारण हम उन्हें अपने छुड़ाए हुए लूट के माल में से कुछ न देंगे, केवल एक एक मनुष्य को उसकी स्त्री और बाल बच्चे देंगे कि वे उन्हें लेकर चले जाए। परंतु दाऊद ने कहा, हे मेरे भाइयों, तुम उस माल के साथ ऐसा न करने पाओगे जिसे यहोवा ने हमें दिया है, और उसने हमारी रक्षा की, और उस दल को जिसने हमारे ऊपर चढ़ाई की थी हमारे हाथ में कर दिया है, और इस विषय में तुम्हारी कौन सुनेगा? लड़ाई में जाने वाले का जैसा भाग हो, सामान के पास बैठे हुए का भी वैसा ही होगा, दोनों एक ही समान भाग पाएंगे। और दाऊद ने इसराइलियों के लिए ऐसी ही विधि और नियम ठहराया, और वह उस दिन से लेकर आगे को वरन आज बना है। सिकलग में पहुंचकर दाऊद ने यहूदी पुरनियों के पास जो उसके मित्र थे लूट के माल में से कुछ कुछ भेजा, और यह कहलाया कि यहोवा के शत्रुओं से ली हुई लूट में से तुम्हारे लिए यह भेंट है, अर्थात बेथेल के दक्षिण देश में रामोत यक्तीर, अरोएर, सिपमोत, एश्तोमो, राकाल, यरह में लियो के नगरों, केनियो के नगरों, होर्मा, कोराशान, अकात, हेब्रोन आदि जितने स्थानों में दाऊद अपने जनों समेत फिरा करता था, उन सब के पुरनियों के पास उसने कुछ कुछ भेजा। शमूएल भविष्यवक्ता की पहली पुस्तक अध्याय 31। शमूएल भविष्यवक्ता की पहली पुस्तक अध्याय 31। पलिश्ती तो इसराइलियों से लड़े, और इसराइली पुरुष पलिश्तियों के सामने से भागे, और गिलबो नाम पहाड़ पर मारे गए, और पलिश्ती शाऊल और उसके पुत्रों के पीछे लगे रहे, और पलिश्तियों ने शाऊल के पुत्र योनातन, अबिनादाब, मलकिश को मार डाला, और शाऊल के साथ घमासान युद्ध हो रहा था, और धनुर्धारियों ने उसे जा लिया, और वह उनके कारण अत्यंत व्याकुल हो गया। तब शाऊल ने अपने हथियार ढोने वाले से कहा, अपनी तलवार खींचकर मुझे भोग दे,
ऐसा न हो कि वे खतना रहित लोग आकर मुझे भोगते और मेरी ठट्टा करें। परंतु उसके हथियार ढोने वाले ने अत्यंत भय खाकर ऐसा करने से इनकार किया। तब शाऊल अपनी तलवार खड़ी करके उस पर गिर पड़ा। यह देखकर कि शाऊल मर गया, उसका हथियार ढोने वाला भी अपनी तलवार पर आप गिरकर उसके साथ मर गया। यो शाऊल और उसके तीनों पुत्र और उसका हथियार ढोने वाला और उसके समस्त जन उसी दिन एक संग मर गए। यह देखकर कि इस्राएली पुरुष भाग गए और शाऊल और उसके पुत्र मर गए, उस तराई की परली ओर वाले और यर्दन के पार रहने वाले भी इस्राएली मनुष्य अपने अपने नगरों को छोड़कर भाग गए और पलिश्ती आकर उनमें रहने लगे। दूसरे दिन जब पलिश्ती मारे हुओं के माल को लूटने आए, तब उनको शाऊल और उसके तीनों पुत्र गिलबो पहाड़ पर पड़े हुए मिले। तब उन्होंने शाऊल का सिर काटा और हथियार लूट लिए और पलिश्तियों के देश के सब स्थानों में दूतों को इसलिए भेजा कि उनके देवालयों और साधारण लोगों में यह शुभ समाचार देते जाए। तब उन्होंने उसके हथियार तो अश्तोरेत नाम देवियों के मंदिर में रखे और उसकी लोथ बेतशान की शहरपनाह में जड़ दी। जब गिलाद वाले याबेश के निवासियों ने सुना कि पलिश्तियों ने शाऊल से क्या क्या किया है, तब सब शूरवीर चले और रातों रात जाकर शाऊल और उसके पुत्रों की लोथे बेतशान की शहरपनाह पर से याबेश में ले आए और वहीं फूंक दी। तब उन्होंने उनकी हड्डियां लेकर याबेश के झाऊ के पेड़ के नीचे गाड़ दी और 7 दिन तक उपवास किया।